औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हैदर टीवी देखने सुनने समझने वालों की खिदमत में सलाम, तोहफा या आली मदद। हमारा मुस्तकबिल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आप जानते हैं कि हमने हमारे मुस्तकबिल में दुनियाए अज़ा विला और मुख्तलिफ मौजूआत पर आपके सामने प्रोग्राम पेश किए हैं, और आज भी एक खसूसी प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी तहजीब यह है कि जब हम मदीने से चले तो ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान होते हुए जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान पहुँचे तो अपने ख़जाने, अपनी जागीरें साथ लाए हों ना लाए हों, लेकिन आज़ादारी और विलाए अहले बैत ज़रूर साथ लेके चले। इसी हवाले से हमारी आज हैदर टीवी स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है, अंजुमन कारवान अज़ा के साहिब व्याज इरफान अज़ा, सैयद इरफान हैदर, जो इस वक्त कनाडा के दौरे पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। हमने उन्हें ज़हमत दी, उनसे दरख्वास्त की, और हम शुक्रगुज़ार हैं उनके कि हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। आज उनसे हम खुल के बात करेंगे, उनके फ़नी एतबार से, नौखानी के एतबार से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, और किस तरह से उन्होंने इरफान से इरफान अज़ा तक का सफ़र किया है, इस हवाले से गुफ्तगु होगी। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इरफान हैदर आपका कि हैदर टीवी स्टूडियो में आप तशरीफ़ फरमा हैं। और जाहिर है कि हमारे इन मुल्कों में जब भी कोई पढ़ने वाला आता है, कोई शायर, कोई अदीब, कोई खतीब, कोई जाकिर, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हैदर टीवी के ज़रिए उनके सुनने और देखने वालों के घरों तक उनकी आवाज़ों को, उनके ख्यालात को पहुंचाया जाए। और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि जाहिर है कि हम जब छोटे होते हैं तो दो सूरतें होती हैं, या तो हमें कुदरती तौर पर और अताई तौर पर वो सब चीज़ें मौजूद होती हैं जो आगे हमें कभी सफ़ीर अज़ा बनाती हैं, कभी इरफान अज़ा बनाती हैं, कभी रेहान अज़ा बनाती हैं। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी माएँ हमें माइल करती हैं इस तरफ कि आओ बेटा, उंगली पकड़ के ले जा रही हैं मजलिस में, ये पढ़ो, ये याद करो, रुबाई याद करो, पत्थर पे अलम दीन का गाढ़ा किसने, और ये सब चीज़ें। कहाँ से सफ़र शुरू हुआ आपका? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد। ज़फ़र भाई, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा इन अय्याम की जो इस वक्त रजब और शाबान की मुबारक साथ चल रही है। परवरदिगार हैदर टी वी को और इनकी काविशों को परवरदिगार इन पर और रहमत बरकतों का नज़ुल फरमाए, और इनकी काविशें कबूल बारगाह अहले मोहम्मद हों। और नाम भी इतना हसीन है माशाल्लाह, और मेरे स्ट्रिप का नाम भी माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत रखा, माह इरफान हैदर। परवरदिगार आपको यूँ सलामत रखे। देखिए, इब्तदाई सफ़र यकीनन हर इंसान सीखा हुआ पैदा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनकी सरपरस्ती करते हैं, और बहुत बड़ा सफ़र है ये 38 साल का जो अज़ाई मेरा सफ़र है। इसमें सबसे पहले तो हमारे हुसैनियों का जो पहला मदरसा, पहला मकतब होता है, वो हमारी माओं की गोद होती है। क्या बात है। और ऐसी माएँ के जो ख़ुद भी सोज़ खान हों और ख़ुद भी नौह खान हों, ख़ुद भी जाकिर हों, तो फिर जो है फिर आला मकाम। अच्छा, आप के यहाँ से घराने से यही सिलसिला चला जी? मेरे नाना मंजूर अकबर आबादी साहब, आपने शायद नाम सुना हो, चांद जहरा का छुपा, जुल्म की बदली छाई, जुल्मतें छा गई, आलम में तबाही आई, ये किसका खून बहाया जा रहा है, नबी का दिल दुखाया जा रहा है, जिन्हें चश्मे फलक ने भी ना देखा उन्हें कैदी बनाया जा रहा है, ये मेरे नाना मंजूर अकबर आबादी साहब के शेर। और बहुत एक मार्कतुल आरा शेर जो अदबी हल्के में बहुत मशहूर हुआ कि जब सुलगती हुई लकड़ियां हैं रिश्तेदार, अलग रखो तो धुआं दे, मिले तो जलने लगे। मेरे नाना मंजूर अकबर आबादी साहब का शेर जो अदबी हल्के में बहुत मशहूर हुआ, मेरी वालदा सैयदा नायाब फातिमा बिनते सैयद मंजूर अहमद रिजवी। अच्छा, मतलब ये फन जो है गले में नहीं है, खून में शामिल है। ये खून में शामिल। क्या बात। करम करम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, ये वालिदैन की तरफ से, यानी हमारे वालिद ने हमें मोरल सपोर्ट किया, हमें बहुत सारी आसाइशों से जो है वो नवाजा, और उन्होंने हमें कभी ना परेशान नहीं होने दिया कि भाई हमें अगर कहीं जाना है तो जाने के, ज़ाहिर है हमारा बहुत गुर्बत से हमने ये सफ़र
शुरू किया। बहुत आप जानते हैं माशाल्लाह हमारा इब्तदाई सफर कहाँ से शुरू मेरा है। आना जाना, और मैं देखता था कि वो छोटा सा बच्चा एक जब खुदा को पुकारा, अली आ गए, और क्या क्या कलाम और खूबसूरत अंदाज है। मैं तो यही समझता था कि भाई सीखा भी का कहीं से नहीं, ये खालिसतन अता ही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरा सबसे पहला कलाम मैंने 1991 में मैशर लखनवी साहब का कलाम, मतलब अजाई सफ़र जो प्रॉपर जो हमने शुरू किया ना प्रोफेशनली जिसे कहेंगे आप, तो वो जो कैसेट की दुनिया में पहला कलाम मैंने पढ़ा वो था लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मैशर साहब वाला। मैशर साहब वाला क्या बात है। सबसे पहले मैंने अगर किसी को पढ़ा है तो वो मैशर लखनवी साहब हैं, और उसके बाद शमसी साहब हमारे साथ होते हैं। मैं मेरे बुजुर्ग उनकी उंगली पकड़कर इस बाहर की दुनिया में उन्होंने मुझे जो है आशना लोगों से कराया, और बहुत बड़ा उनका मतलब मेरी तामीर में बहुत बड़ा हाथ है उनका। परवरदिगार उन्हें सेहतमंद उम्र अता फरमाए। अंजुमन कारवाने अज़ा के रूए रवां, और अब मेरे साथ भी हर वक्त माशाल्लाह मेरी सरपरस्ती करते हैं। देखिए अपना एक हुजूर, वैसे एक बात बताऊं कि जितना वक्त अंजुमन में शमसी भाई ने दिया है उतना वक्त देते नहीं लोग, नहीं लोग नहीं, इतनी मसरूफियात के दौर में, और शमसी भाई का हमेशा साथ रहा, और फिर अंजुमन के हवाले से सपोर्ट जी एक बहुत बड़ा काम किया। देखिए अंजुमन के साथ रहने में बहुत सारे फायदे हैं, एक तो लेकिन फायदे कम है नुकसान ज्यादा है। अब वो अपना अपना सिस्टम है, अभी इस पे बात होगी हमारी नज़रें। अभी हमारे साथ दो शख्सियात और शरीकी गुफ्तगु होंगी, हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हाँ, तो मसला यही है कि मैंने शायद एक तारुफ कराते हुए यही जिक्र किया था कि अंजुमन के साथ रहने में जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं, क्योंकि साहिब ब्याज अपनी मर्जी से तो वो जो तोगरा मिलता है शब्बेदारी में वो भी नहीं ले जा सकता, नहीं जफर भाई हमारा वो भी ऑफिस के हकदार। हाँ ठीक है, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस अंजुमन का भी बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। देखें शमसी साहब एक अपनी ज़ात में अंजुमन है जी हाँ, लेकिन कारवाने आज़ा के जितने भी मेम्बरान हैं, मैं तो बहुत छोटा सा हुआ करता था, मुझे तो ठीक से कपड़े भी पहनना नहीं आते थे जफर भाई, यकीन घरवाली पहनाते। हाँ नहीं वल्ला मैं बहुत छोटा था, जब मैं 11 साल का था तब मैं इस अजाई सफर में मालिकों ने मुझे, पहले मैं अंजुमन कनिजाने पंजतन का नौखान था, खवातीन के अंजुमन, मेरी बहन वगैरह पढ़ती थी, मेरी अम्मी मेरी बहन, मैं उनके साथ नौहे वगैरह पढ़ता था। तो पहली बार मैंने एक साहब हैं सिप्ते हसन साहब, उनके यहाँ सिप्ते नबी या सिप्ते हसन साहब हैं, जट लाइन में ही रहते हैं जी 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 जी। तो उनके यहाँ मैंने पहली बार मर्दों में नौखानी की, और वहाँ तो कैसा लगा मर्दों में पढ़ते हुए? जाहिर है बहुत मुश्किल था, यानी पहली दफ़ा, जाहिर है बच्चे थे इस तरह से, वो सिस्टम मातम करने का उनका अंदाज अलग है, खवातीन का सिस्टम अलग था, वालदा थी सपोर्ट करती थी, पहले मातम भी खवातीन की तरह करते थे। अब ये इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ये तो देखने। अच्छा, तो अंजुमन से वाबस्तगी कब किस 91 उम्र में हुई? 92 में तो वॉल्यूम आ गया था मेरा। हमने काम शुरू किया, परवरदिगार ने बड़ा सपोर्ट किया, मादर हसनैन ने अपना दस्त शफकत सर पर रखा, और बुजुर्गों ने जैसे मैशर लखनवी साहब ने बाकायदा किसी से सीखा नोहा खानी या मनकबत खानी? जफर भाई मैंने हर अच्छा पढ़ने वाले से, देखिए मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन प्रॉपर मुझे शमसी साहब ने प्रोफेसर के एस नागपाल साहब के साथ मुझे इब्तदाई तालीम के लिए बिठाया, उस्ताद जव्वार साहब थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैशर लखनवी साहब ने बचपन में उंगली पकड़कर मुझे, असल में गले का इस्तेमाल जो है ना, देखिए ये एक तो गॉड गिफ्टेड भी होता है, वालदा से मुझे जाहिर मुझे मिला, मैं दुआ करूंगा कि मेरी पाक बीबी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे वालिदैन को आलैली जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह था फरमाए, कि आज जो भी ये सफ़र है ना जफर भाई, यकीनन हर किसी के वालिदैन का बहुत सपोर्ट होता है, वरना हम इतना काम कर नहीं सकते अगर घर से हमें सपोर्ट। इस बात का तो मैं भी गवाह हूँ कि बड़ी शफीक खातून थी, और उनके हाथ की दाल भरी रोटी आम वगैरह हमने भी खाए वहाँ, अल्लाह सलाम। तो जाहिर है कि माओं से ही आदमी ये सीखता है, माएँ ही आगे बढ़ाती हैं। अच्छा, कैसा ही बच्चा पढ़ रहा हो, माँ कहती है सबसे अच्छा मेरा ही बच्चा पढ़ता है, ये जो जुमला होता है ना माँ का, ये आगे बढ़ने में बड़ी मोहब्बत जी, इसमें मोहब्बत जी बिल्कुल, इसमें मोटिवेशनल जो माओ का ये सिस्टम होता है ना, देखें हमारी, लेकिन अच्छा जफर भाई ये बात मैं आपको बताता चलूं,
हमारी वालदा का ये सिस्टम देखें, एक तो वो मिच्योर इस काम को समझने वाली खातून थी, तो जितने भी हैं मेरी अहद के लोग थे पढ़ने वाले, ये करम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कि मेरी वालदा को सब अम्मी कहते थे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पढ़ने वाले जितने भी इस दौर के, सब माशाल्लाह जो अब बहुत ही कमाल पर हैं जो इस यानी सिस्टम में, तो उन वो सब आकर मेरी वालदा को कलाम सुनाया करते थे। क्या? और मेरी वालदा ग्रेडिंग करती थी कि भाई इसका कलाम सबसे अच्छा है, इस दफ़ा इसका कलाम सबसे अच्छा है, इस दफ़ा इसने बहुत अच्छा पढ़ा, इस दफ़ा इसने, तो सब आकर मेरी वालदा को सुनाया करते थे। तो मेरी वालदा ही कहती थी बेटा तुम अच्छा पढ़ते हो, लेकिन जो अभी पढ़ने का जिस तरह से माशरा यानी ज़माना जो चाहता है, अभी अभी वो दौर नहीं आया। शुरू के जो इब्तदाई 10 साल जो गुजारे हमने वो सीखने के गुजारे कि ये क्या नोहा होता क्या है, यानी इसमें इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, इसमें क्या किस तरह से मिसरा जो है वो बुना जाता है, कैसे इसकी ट्यून बनती है, शुरू के 10 साल। अच्छा, मोमिनीन जब सुन रहे होते हैं उन्हें तो महसूस नहीं होती ये चीज़ें कि एक कलाम तैयार होने में, बनने में, पहुंचाने तक में कितना सफ़र होता है, कितनी मेहनतें होती हैं, लिखवाना अपनी मर्जी के मुताबिक और फिर उसकी तर्ज वैसी ही बने। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा तो मसला यही होता है कि अच्छा कलाम है तो उसको अच्छी तर्ज के साथ पहुंचाया जाए। देखिए अब हमने क्या किया, हमने इसी बात को सीखा। शमसी साहब गए थे एक दफ़ा नदीम रजा सरवर साहब की रिकॉर्डिंग में, वो आपको याद होगा उनका कलाम आया था मुझे अब्बास कहते हैं जी। तो शमसी साहब को नदीम सरवर साहब ने अपने रिकॉर्डिंग में दावत दे के बुलाया था, तो उनके अंजुमन के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद भाई, वो और शमसी साहब उन लोगों का तंजीम अज़ा के हवाले से बहुत गहरा उठना बैठना दोस्ताना बहुत पुराना रिश्ता था। होते थे। तो शमसी भाई एक दफ़ा उनकी मिक्सिंग में जाके बैठे, रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, ऑडियो हो चुकी थी, कोर्स हो चुका था, वोकल हो चुका था, लेकिन जिस वक्त मिक्सिंग का वक्त आया ना तो उस वक्त शमसी भाई जाके बैठे, तो उन्होंने देखा, फिर शमसी भाई ने हमें आके बताया, कहने लगे कि बेटा देखो उनका जो काम होता है ना वो अलग इसलिए होता है कि वो उसको बाकायदा उसको सिस्टम के साथ लेके चलते हैं, यानी ये देखें। फिर हमने बुजुर्गों से सुना कि कमाल उसको मिलता है कि जो रेडियो पे फिल्म दिखा दे। ओह क्या बात है, यानी सऊदी जो उलूम है उनका सिस्टम ये है कि पहले तो अब देखें ये वीडियोस तो आज का सिस्टम है ना, पहले तो ड्रामे रेडियोस पर आते थे, फिल्में रेडियोस पे आती थी, यानी सिर्फ टॉक की फिल्में होती थी, उसमें वीडियो तो होती नहीं थी, लहजे से समझता था और लहजे से आपके लहजे से पता चलता था कि इस वक्त आप खुशी में, और इस लहजे से पता चलता था कि ये सैड नोट्स हैं। तो ये हमने अपने बुजुर्गों में बैठ के सीखा है और सीखने का आज भी सिस्टम खत्म नहीं किया है, हर किसी से सीख रहे हैं। यानी मैशल लखनवी साहब ने इब्तदाई सिस्टम सिखाया कि बेटा पढ़ते कैसे हैं, आना आने की अलग तमीज़ है, मिंबर पर बैठने की अलग तमीज़ है। इसके बाद अनीस पैठसरी साहब से मुलाकात हुई, शमसी साहब की वालदा इशरत जहाँ बेगम बहुत अच्छा शायरा थी, उनका अकबर सा जमा बेटा जबरन को चला होगा, तो एक ही कलाम मैंने उनका पढ़ा और कैसेट में पढ़ा, क्या दिल पे बनी होगी क्या माने का होगा। अच्छा उसके बाद फिर सिप्त जाफर साहब के कलाम पढ़े, उसके बाद फिर रेहान आजमी साहब के साथ एक बड़ा सफर जो है जी माशाल्लाह हमारा 10-12 साल का, ज़ाहिर नोहे के हवाले से एक बड़ा नाम है और तेज लिखने वालों में शक नहीं है, दुनिया का यानी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने देखा है कि रेहान आजमी का फास्टेस्ट शायर ऑफ शिया कम्युनिटी, यानी ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर आप देखे जाए अदब में एक बहुत बड़ा नाम है रेहान आजमी, गजलियात में भी वैसे भी नौहजात में भी, और माशाल्लाह मरासी भी लिखे उन्होंने आखिर में, लेकिन बेपना तेज लिखने वाला और अच्छा लिखने वाला एक बाब बंद हुआ है रेहान आजमी की शक्ल में। तो रेहान आजमी साहब के बाद फिर मजहर आब्दी साहब माशाल्लाह वो भी फास्टेस्ट शायर हैं और बहुत उम्दा। अच्छा फिर उनका कमाल ये भी है मजहर आब्दी साहब का कि उन्होंने ना इस काम को समझा भी बहुत, यानी शेर के हवाले से तो थे ही थे, शायर तो बहुत अच्छे थे ही वो, लेकिन और हैं, और कंपोजिशन वगैरह को भी मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने, हाँ बहुत सारे शायर होते हैं जो कंपोज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन मजहर आब्दी साहब का ये सिस्टम था और है, बल्कि माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका इस पे अब तो बहुत कमांड है माशाल्लाह, ट्यून्स वगैरह भी बहुत अच्छी करते हैं और उनके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। अच्छा हालांकि वो ज़माना जब आपने नोहा खानी में कदम रखा है और
अच्छा खासा आ गया है, बड़े बड़े शोरा मौजूद थे, कराची की तारीख भरी हुई है। जी साहिर लखनवी साहब, मुजाहिद लखनवी साहब, उरूज बिजनौरी साहब, जाहिद फतेहपुरी साहब, सरदार नकवी साहब, ये सारे के सारे नोहे के शायर, और अनीस पहरसरी जी, साहब, जी 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 ये जकी आबदी साहब, ये सारे वो नाम हैं जो पिलर होते थे और वो उस दौर की शब्बेदारियाँ बड़ी मशहूर थी। जी ऐसा ही है। तो वो जमाना था मिल के पढ़ने वालों का, आबदिया काजमिया को देख लें, नाजिम भाई को देख लें, सच्चे भाई को देख लें, हैदरी अली बस्ती को देख लें, जिया भाई के बाद ये सिस्टम शुरू हुआ। हाँ, यानी कई कई लोग मिलके पढ़ा करते थे, लेकिन उस वक्त जिया भाई अकेले थे या नदीम सरवर साहब बाद में, फिर नासिर जैदी साहब। जी जी, जी जी जी। लेकिन उस दौर में किस तरह से आगे आए, जबकि यानी मिलके पढ़ने वालों का हुजूम जो होता है वो। जी ना, आप क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त था। देखिए आज तो सोशल मीडिया का दौर है ना, जी आज तो बहुत आसान है मशहूर होना। आपको तो पता है कि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक शो, बगैर मेहनत के इलेक्ट्रॉनिक फेम है आजकल का, तो इलेक्ट्रॉनिक फेम है। जो सिस्टम चल रहा है उसको फॉलो करना है, और मतलब अच्छी चीज नहीं हो रही। मैंने जो चीज देखी है, देखिए जरा सा अगर मैं पढ़ते हुए अपना यहाँ से कपड़ा जो है वो फाड़ लूँ और कोई मनकबत पढ़ते हुए, तो मनकबत से ज्यादा उस पे तवज्जो और ये फेम मिल जाएगा। मतलब कुछ ऐसा करना है जो नहीं हो रहा, नयापन। मुझे बहुत नयापन, अच्छा नएपन को लेकर हम नया फन की तलाश में है, नएपन की नहीं। हम चाहते हैं हमें नया फन मिले, कोई ऐसी चीज मिले कि जो हमने पहले ना की हो। नहीं, एक और मसला है ना इस दौर में, तो एक और मसला है, हम चाहते हैं कि रातों रात हम नदीम सरवर बन जाएं, रातों रात हम मैशर लखनवी बन जाएं, तो मेहनत के बगैर तो सर मुमकिन नहीं है। देखिए ये वक्ती जो है निज़ाम जो है ना, थोड़ी देर के लिए होता है और फिर थोड़ी देर के लिए रहता है, थोड़ी देर में होता है और बका थोड़ी नहीं देर होती के लिए। जी जी, देखिए एक 38 साल का सिस्टम जो है ना वो, और फिर 38 दिन का सिस्टम, ये एक जमीन आसमान का इसमें फर्क है। देखिए इस फसले अजा और फसले विला को बहुत अच्छा जो है वो संभाला हुआ है माशाल्लाह पिछले 50 साल से नदीम रजा सरवर साहब ने। उनका नाम अगर किसी भी इंटरव्यू में और किसी भी उसमें ना आए तो मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ नाइंसाफी है। एक बहुत बड़ा जमाना उस आदमी ने जो है वो, और वो जमाना चल रहा है, भी आज भी जमाना रुका हुआ चल रहा है, आज भी जमाना चल रहा है। मैं यही कहता हूँ कि जिस इलाके में मौला हुसैन का नाम लेना मुश्किल हो, उस इलाके की गाड़ियों में नदीम सरवर के नोहे चल रहे होते हैं। कोई शक नहीं है, परवरदिगार उनको सलामत रखे, बहुत अच्छा परवरदिगार उनको सलामत रखे, उनको सेहतमंद उम्र तक, और उनके बच्चों के देखा देखी मैंने देखा है, सुन्नत के बच्चे ऐसे ही सुन्नी लोग तर्ज है, माशाल्लाह भाई तर्ज है, उनके नोहों की तर्जों पे नाते पड़ रहे हैं। हाँ अब देखिए ना बच्चों की, ये तो कमाल है ना, उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत भी जमाने में, और बहुत सारे काम है करने के लिए। लेकिन एक नौह खान का बेटा, नौह खान ये मालिक ने उन्हें जिंदगी में उनका अजर दिया है, उनके बच्चों की सूरत में उनको सिला दिया है इतनी अरसे की उनकी ड्यूटी का। तो मैं समझता हूँ लायक तारीफ है, लायक एहतराम है नदीम रजा सरवर साहब। अच्छा, और बहुत सारे लोग होते हैं जो मशहूर होने लगते हैं तो फिर वो दूसरी चीजों पर तवज्जो नहीं देते। जैसे आप जिस उम्र से नौखानी कर रहे हैं जी, तो उस उम्र में पढ़ाई सबसे अहम होती है जी। हम लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं, ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत आसान है, यहाँ से मशहूर हो जाओ तो सब चीजें मिल जाती हैं, शादी भी अच्छी जगह हो जाती है, नौकरी भी अच्छी जगह हो जाती है। नहीं जफर भाई, देखिए प्रॉपर फिर जो है ना, देखिए अब मसला क्या होता है, हम प्रॉपर लोगों में शुमार होता है, और हमने जिन लोगों को देख कर अपनी जिंदगी गुजारी है वो बहुत प्रॉपर लोग थे। मैंने जिन लोगों का भी अभी आपसे नाम लिया है, मैशर लखनवी साहब एक प्रॉपर आदमी, रेहान आजमी साहब एक प्रॉपर आदमी। अच्छा, रेहान आजमी साहब से हमारी, मैशर लखनवी साहब के राशन कार्ड में भी मेरा नाम है, और यकीनन काफी लोग मुझे उनका वहां से भी आपको मिल जाता था गेहूं वगैरह। नहीं ऐसा उन्होंने मुझे अपना बेटा तसव्वुर किया हुआ था। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही उनके घर में मेरा रहना भी इसी तरह था जैसे एक औलाद घर में रहती है। फिर उसके बाद रेहान आजमी साहब ने भी अपने बच्चों की तरह मुझे कोई, अच्छा रेहान आजमी साहब हमारे दोस्त भी थे, यानी उनके अंदर शफीक एक इंसान के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी था, और जमाने के हवाले से बहुत जबरदस्त बैठा के बहुत अब कमाल आदमी, तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनकी गैदरिंग से, और फिर इंसान था वो। देखिए इंसानियत जो ना, करबला इंसानियत की जंग थी। सही। मैंने उस आदमी में इंसानियत देखी, मैंने बहुत सारे लोगों की मदद करते देखा उस आदमी को, बहुत सारे लोगों की, कई घर ऐसे मैंने देखे जिन घरों की वो बंदा कफालत करता था मैंने देखा। रेहान आजमी साहब के लिए मैं, अच्छा सुनी हुई बात नहीं है, ये मैंने देखा है। क्या बात। और बहुत सारे शौरा की मदद करना,
बहुत सारे नौखानों की कैसेट्स रिकॉर्डिंग कराने में उनके पास कभी अगर पैसों की कमी होती थी तो मैंने उसको भी पूरा होते हुए देखा है रेहान आजमी के घर से। तो ये कमाल था उस आदमी का, परवरदिगार इन सबको देखे। हमने जब अपने बुजुर्गों से ये देखा तो फिर हमने भी, हमारे साथ शमसी साहब रहते थे, रहते हैं, हमने कभी देखे। मयार ये है इंसानियत का कि खुददारी बहुत ज़रूरी है, और इस दौर में जहाँ सांस लेना मुश्किल है वहाँ पर अपनी खुददारी को कायम रखना बहुत मुश्किल काम है। तो हम आपको अंदाज़ा नहीं है ज़फ़र भाई कि मैं देखता हूँ ना, जब ये शोहरत का सिस्टम आजकल के, माशाल्लाह परवरदिगार तमाम तर नए पढ़ने वालों को नज़र बद से महफूज फरमाए और उन्हें और तरक्की अता फरमाए, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना कि यार ये सिस्टम, यार ये तो बहुत आसान काम है, ये तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन बात ये कि हमने जिस तरह का सफ़र अपना शुरू किया, हर किसी का अलग सिस्टम होता है। मुझे ये देखे, मुझे अपने बच्चों को देखे, एक सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये हुई है कि आपने और हमने अजान और नमाज जनाजा वाले माइक पे पढ़ा है। ऐसा ही है सर, आज इको ने जो है ना इधर उधर की आवाजों को भी आगे पहुंचा जी। ऐसा ही है, देखें ये तो आसानी मिली है, वो दौर खतरनाक, बहुत खतरनाक दौर था। देखें उस वक्त जो पढ़ने वाले थे, मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को, उन्होंने बहुत बहुत काम किया और मुश्किल वक्त में काम किया। आज तो रिकॉर्डिंग हो रही है और हमने एक एक सुर लगाया, अगर वो बीच में कहीं जाके खराब हो गया तो अब पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, उसी जगह को या तो ट्यून कर दिया गया या फिर दोबारा बोल दो, यहां तो ये है, हमने तो उस दौर में रिकॉर्डिंग की कि जब मक्ता खराब हो गया तो जो है पूरा कलाम दोबारा पढ़ना है। और मालिक का बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बच्चों का सदका दिया कि हम एक दिन में उस वक्त भी रिकॉर्डिंग कर लेते थे। अच्छा, किसे किसे अपना आइडियल बनाया नोहा खानों में, यानी पुराने नोहा खान जो थे, सब अच्छा किस को देख के? मैं सच कह रहा हूँ कि जब मैंने आंख खोली इस चमने विला में और चमने अजा में तो देखा कि एक ऐसा सूरज आफ्ताब व महताब ऐसा कि जो जिसकी रोशनी से सारी दुनिया मुस्तफिद हो रही है, उसका नाम था ना दिव्य सरवर। सही, हमारे दौर में हमने जब देखा तो देखिए, अब चाहो या ना चाहो आवाज तो एक ही सुनाई दे रही थी ना, तो हमने फिर उस आवाज के पीछे खुद को लगाया। और मैं तो एक जगह मैंने और भी कहा था, पहले माएँ अपने बच्चों के लिए दुआएं करती थी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने। अल्लाह सलामत रखे इस मर्द मोमिन को कि इनके इस नौखानी के अंदाज ने और इस एटीट्यूड ने, खुदा की कसम माएँ दुआ करती हैं कि हमारा बच्चा नौखान बने। अच्छा, कहते हैं लोग कि चेंज आई है नदीम सरवर सफ़ी रज़ा की नौखानी के बाद, चेंज आई है किस किस्म का चेंज, मतलब जो एक पुराना अंदाज था वो जदीद अंदाज में तब्दील हुआ है, इस बारे में क्या कहते हैं? इमाम देखें, हमें अपने मासूमीन से जुड़ के चलना चाहिए। मासूमीन फी जमाना, फी जमाना। इमाम ने फरमाया कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जमाने के लिए पैदा नहीं हुए, वो उनका जमाना अलग है, उनको उनके जमाने के अंदाज में वो समझते हैं, जिस अंदाज में वो। नदीम सरवर साहब का कमाल ये है कि उन्होंने जमाने के हिसाब से परवरिश की अपने बच्चों की भी, और जो है वो सौती उलूम जो उन्होंने देखे, वो वॉइसेस जो ह्यूमन वॉइसेस का इस्तेमाल करना है, हुसैन कई अंदाज से कहना, बैकग्राउंड में जो मातम के साथ साथ हुसैन की सदा आती है, वो सब ये सारे काम नदीम सरवर साहब ने राइज किए। परवरदिगार इस मर्द मोमिन को उम्र तवील अता फरमाए। अच्छा, एक और बात भी है ना कि जाहिर है कि हर शख्स दूसरे हिस्से वाला, हर शख्स अज़ा खाने में नहीं आएगा, मसाइब नहीं सुनता, लेकिन हुसैन जिंदाबाद सुना सबने, कमाल है ये एक चीज और थी। मैंने बचपन से जफर भाई एक मिसरा सुना है कि रोने के लिए काफी है सजाते रहना, और जिसे रोना नहीं आ रहा वो किसी शायर का शेर है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नरमो नाजुक बेअसर। जिसे रोना है वो हाय हुसैन सुन के भी रोएगा। हुसैन का नाम आता देखे ना आपने मजालिस में, यकीनन हजारों मजालिस सुनी होंगी, और जैसे ही आप और फिर करबला काफला पहुंचा, अभी जाकिर इस एक लफ्ज नहीं बोलता, और फिर करबला काफला पहुंचा और लोगों के गिरिए की आवाजें बुलंद मैंने सुनी है। आज तो लोग मसाइब में जिद्दत, मतलब अब ये तो सुन लिया है, इसके आगे की बात करो तो मुझे मैं कैसे कह सकता हूँ ये बात बार बार कि बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा के सर से चादर छीनी गई, मैं कैसे कह सकता हूँ ये बात बार बार कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे पर इमाम हसन मुश्तबा के सामने, आप समझ रहे हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ। तो मेरा सिस्टम देखें, सबका परवरदिगार, जो लोग पढ़ रहे हैं परवरदिगार सबको सलामत रखे, सबका सिस्टम अलग अलग है सोच का, तो मालिक सबको उनके हिसाब से अता फरमा रहे हैं।
देखिए मेरा थोड़ा सा निज़ाम अलग है, मैं कहता हूँ देखिए हुसैन मालिक के करबला में आमद मौला फरमाते हैं कि अगर मेरे नाना की उम्मत की इसलाह मेरे कत्ल के बगैर मुमकिन नहीं है तो तलवारों और नेज़ों मुझ पर बरसो। तो इसलाह उम्मत के लिए इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का इकदाम था, सफर किया। इंसानियत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इलाहियत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इकदाम था। अब हमने मैंने अक्सर मैं कहता हूँ अपने जो हमारे जूनियर्स हैं उनको अक्सर कभी बैठ के बात होती है, अच्छा सवाल का दरवाजा बंद कर दिया है ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। सही, जो कह दिया उसे मान लो, बस मान लो नहीं करो। अच्छा, हालांकि नौजवान पूछता है ये क्यों है, ये क्या है, ये पूछना जरूरी है, ये सवाल का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जितना कर रहे हो उसके बारे में इल्म होना चाहिए। हालांकि इत्मीनान कल्ब के लिए पैगंबरों ने अल्लाह से सवाल किया जी, देखिए इत्मीनान कल्ब के लिए ऐसा ही सवाल का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। सही, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे अच्छे पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह परवरदिगार सबको सलामत रखे सब। अच्छा, अंजुमन का ताल्लुक बड़ा गहरा है शबेदारियों से, शबेदारियों में वो रौनकें क्यों नहीं रही? जाहिर है कि मैं मुझे याद है कि शबेदारी हो रही है जनाब जाफरिया में और शायर कौन कौन बैठे हैं, मुजाहिद लखनवी साहब, मैशा लखनवी साहब, साहिर लखनवी, शाहिद नकवी साहब, साहिर फैजाबादी साहब, बिजनौरी साहब, ऐसे ही अब किसका कलाम आएगा और किस तर्ज में पढ़ा, वही टेंट में बैठे हुए दाद दे रहे हैं, वही पढ़ने वाला अगर आ भी गया तो वो सब उठकर गए। और जैसे मैशर साहब का, जैसे मैं बताऊं, मैंने देखा ये दौर और वहां बैठे हैं जो है शायर लखनवी साहब और दूसरे शोरा और मैशर लखनवी साहब भी बैठे हैं, कह लेंगे अभी हमारे शहजादा आएगा सुनना उसको, और हम आए वहां पर मौजूआती किसी या तरही शबेदारी में हमने कलाम पढ़ा, हुसैन दीन को बख्शी है जिंदगी तूने, नमाज जाती थी दुनिया से रोक ली तूने, यानी अब एक एक शेर को यानी समझा के पढ़, वो सिस्टम अलग था। आज का सिस्टम देखिए मैं आपको बताऊं, ये तबाही मोबाइल से शुरू हुई है, ये जो वो रौनक है नहीं है, मोबाइल पढ़ रही होती है और सुनने वाला घर बैठ के आप सब देख रहे हैं मुझसे हमारे नहीं तो मोबाइल से पहले तो सीडियों के जमाने ने भी और कैसेटों के जमाने ने भी थोड़ा सा वहां भी ठीक था थोड़ा बहुत। उस वक्त मैंने देखा कि तिब्बत सेंटर पर जब अंजुमनें खड़ी होती हैं सज्जे भाई खड़े, उनका चेहरा नजर नहीं आता था, इतने वीसीओ टेप रिकॉर्ड टेप कर रहे होते कैसेटों में, ऐसा ही वो जमाना। देखिए अब जमाना, अब देखे ना लोग पहले आजादारी को फरोग के लिए ये काम किया जाता था, अभी अब अपने फरोग के लिए, अब अपने लिए किया जा रहा है, ये फर्क हुआ है। देखिए ना फर्क हुआ है, मैंने अभी तीन साल पहले बहुत कहा गया मुझे, तो मैंने चैनल बनाया अपना यूट्यूब चैनल, हालांकि मेरा नहीं था चैनल। अच्छा अब एक प्रॉब्लम, एक छोटी सी और, जाहिर है जब सब कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमाए? नहीं कमाई का चक्कर नहीं, अब देखें बात यह है कि मुझे अब अपनी बात पहुंचानी है तो मुझे ये करना पड़ेगा। सही, फी जमाना, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा ना जमाने के हिसाब से चलना जरूरी है, नहीं अच्छा लग रहा ये सब, इसमें रूहानियत नहीं है, नहीं अच्छा लग रहा सब जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक है सब। एक और चीज है ना, मैं देखें मैं अफ्रीका गया तो मैंने पूछा भाई तुम कैसे मुहर्रम करते हो, कहें जैसे ही नदीम सरवर की कैसेट आती हम समझ जाते हैं मुहर्रम आ गया। तो वो जगह है, वो मुल्क, वो इलाके, वो बस्ती है जहां जाकरी नहीं पहुंच पाते, वहां के लिए तो यही फर्श अजा, यही मिंबर है, यही मजलिस, बिल्कुल ऐसा ही है। वहां के लोगों को फायदा उठाना था, ये हम लोग घरों में बैठ गए, अजाखानों में जाना छोड़ दिया कि घर में ही सुन रहे हैं हम। अच्छा कुछ टीवी ने भी, हैदर टीवी, बाकी टीवी पे आ रहा है तो बहुत सारे लोग काहली में वहां से नहीं जा रहे, घर पे बैठ के सुन रहे नहीं। अब देखें इनके लिए क्या कहेंगे, इनके देखें ये तो फरोग अजा के लिए काम कर रहे हैं जितने भी चैनल्स हैं, जब मैं खुद अपना चैनल बना रहा हूं तो फिर मैं किसी को क्यों कहूं। बात यह है कि इस चैनल पर और कुछ तो नहीं हो रहा ना, हम ये देखना चाहिए कि क्या कर रहा है बंदा। नहीं अजाखाने में तादाद कम हो रही है लोगों की, हो रही है सीडियों की वजह से, चैनल्स की वजह से हो रही है, हो रही है। वो चैनल उनके लिए था जो बीमारी की वजह से, जो माजूरी की वजह से, जो तकलीफ की वजह से, जो किसी शरई उज़्र की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, अब लोग घरों में लेटे हुए होते हैं। जफर भाई देखिए अब ये जिम्मेदारी चैनल्स की नहीं है, ये हैदर टीवी है या दूसरा कोई भी चैनल, ये जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है। देखिए इनका मकसद क्या है कि वो डिसेबल लोग जो नहीं आ सकते या बुजुर्ग, डिसेबल होना जरूरी नहीं है, जो लोग बुजुर्ग हैं नहीं चल सकते, नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। अच्छा देखिए या सवारी नहीं उनके पास, -36 है या -36 कनाडा में -36। अब इसमें हम जैसे लोगों का निकलना महाल है, तो जो बुजुर्ग है उनका तो बहुत ही मुश्किल होता है ना, तो उन लोगों के लिए देखें आजादारी से दुशौदा
हर दौर में मौला, ये देखें अल्लाह का वादा है, सही, ना जाने किस सूरत में कैसे कैसे परवरदिगार अपना वादा निभा रहा है। वो जो बुजुर्ग घर में बैठे हैं उनको भी तो सुनना है ना, मौला ने हैदर टीवी जैसे चैनल्स को बना के जो है ना उनके लिए आसानियां कर दी, और पहले सीडी का दौर होता था, अब वो सीडी का दौर खत्म हो गया, अब मोबाइल में बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग क्या करें, बुजुर्ग ने मोबाइल में लिया, किसका नाम सुनना है, उन्होंने लिखा और मोबाइल में, खुदा का लाख लाख शुक्र आज भी है जफर भाई घर में बैठकर ही सही, अजाधारी और अजाई सफर से दूर नहीं है हमारा मोमिन, सफर नहीं रुका, जाहिर है सफर नहीं रुका, जारी रहेगा, परवरदिगार का ये सिलसिला जारी रहेगा, हम रहें या ना रहें, ये अजाधारी रहे। तो ये सिस्टम जो है ना परवरदिगार की तरफ से है, और मेरी दुआ है कि हमारे जो कौम के नौजवान हैं वो इसी दर से वाबस्ता रहे। तो इतने लोगों में, इतने जब चांद सूरज अर्श अजादारी पर मौजूद थे, तो किस तरह से जगह बनाई? मैंने वही तो देखा कि जब मैं निकला इस सफर अजा पर, मैंने देखा तो एक सामने ही एक इतना बड़ा पहाड़ नुमा शख्स जिसका नाम नदीम रजा सरवर है वो खड़ा हुआ, उसके बाद बच के निकलने की कोशिश की तो यहाँ नासिर जैदी साहब को देखा, उससे बच के तो उधर जिया भाई, अफाक भाई, नाजिम भाई, सच्चे भाई, ये वो, एक मतलब साजिद जाफरी, एक 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 तवील जो है फहरिस्त लोगों की। अब भाई कमाल, 10 साल में इतना सफर तय किया है, 5 घंटे रियाज करके, वो सफल में 5 साल में तय करूंगा 10 घंटे रियाज करके। यार ये मिसरा कंपोज कैसे करते हैं, ये सीखा, ये जाहिर है सीखा, ये राग क्या होता है, ये कैसे होता है, ये सिस्टम, जो हमारे काम की चीजें थी वो प्रॉपर हमने सब कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं है कुछ, नहीं करना चाहिए ये एक अलग बात है, नोहे में क्या करना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे मैं नोहा पढ़ते पढ़ते एक सरगम कह दूं तो आप क्या, आपको कैसा लगेगा? हालांकि कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर यह काम हो रहा है, पाकिस्तान में ही कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर यह काम हो रहा है, नोहा पढ़ते हुए सरगम कहते हैं, और जो एक अरसा आता है तो उस पर वो सम भी दिखाते हैं, यूट्यूब पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद हैं ये वीडियोस, मैं आपको नोहे के अंदर दिखा सकता हूँ। तो ये सिस्टम देखिए, सिस्टम मैं कहता हूं कि जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, पैरहन कोई भी हो, अंदर अजादार मिलेगा। अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ अजादारी होती है, जैसे हमारे हमारे कराची का एक सिस्टम है कि जी हदीसे के सब, अच्छा उससे पहले ये होता था कि जब अजाखाना खुलता था तो वो शहनशीन से पर्दा हटाया जाता था, सब खड़े हो जाते थे एहतरामन, और फिर उसके बाद हदीसे के साहब, फिर सोस खानी, फिर सलाम, फिर तकरीर, फिर नोहा खानी, फिर ज्यारत, ये सारे एक सिस्टम बना दिया था कराची के मेंबर जी, ऐसे ही। उसको अलावा हम देखें सिंध में जाकरी है, वहाँ सोसानी का सिस्टम नहीं है, वहाँ और चीज़ों का सिस्टम नहीं है, दूसरे इलाकों में मातमदारी का है, ये गुलदस्ता है जो तैयार होता है। देखिए मौला ने तो, किसी भी शक्ल में, मैंने अभी कहा ना, पैरहन कोई भी हो, अंदर आपको अजादार मिलना चाहिए। हम अपनी अजादारी से अगर सकाफत को हटा देंगे, ये जो देखें हर जगह, मैं हिंदुस्तान, मैंने कई बार सफर किया, हर 200 किलोमीटर के बाद हिंदुस्तान में जबान तब्दील है। जी हाँ, अच्छा, उर्दू ही मुख्तलिफ अंदाज से बोली जा रही है। कह रहा हूं। जी हाँ, हर 200 मेरठ की अलग है, जौनपुर की अलग है, इलाहाबाद की अलग है, सब अलग अलग है। जी हाँ, यह हुस्न अजादारी का, मौला के जिक्र का, और सारी जबानों में जिक्र, सारी जबानों में, यहाँ तक के हिंदू भी कर रहे हैं। करम मालिक हुसैन इब्न अली अलैहि सलातो वस्सलाम। तो नई नस्ल में जो इस आज जो पढ़ने वाले हैं बहुत सारे, तो मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जो ये यूनिवर्सिटी बैठी हुई है इसी से पढ़ के निकले हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। तो क्या कहते हैं इस हवाले से, जो अब नया अंदाज है पढ़ने का, माशाल्लाह सब देखें, बहुत सारे काम है इस दुनिया में, मैंने आपको बोला ना कि जहां सांस लेना दुश्वार हो, मैं इस वक्त अजादारी करना, इस वक्त इस काम को करना बनिस्बत पहले के ज्यादा मुश्किल है, और आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। देखिए पहले के लोग जो है, जो फनकार हुआ करते थे, वो शेर शायर हो या सना खान हो या मरसिया गो हो या मरसिया खान हो या नोहा खान हो, फिक्रे माश आजाद किया करते थे उन्हें, ताकि वो अपना काम और ताकत के साथ कर सकें। आजकल जमाना आपको पता है, मैं फिर कह रहा हूं कि इस दौर में सांस लेना बहुत मुश्किल है। बड़ी अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई, जाहिर है कि एक शायर घर में जा रहा है, घर में घुस रहा है या पढ़ने वाला,
और आगे से आवाज आए कि जाओ टमाटर ले आओ, जी दूध सही ले है। आओ, सब्जी नहीं है। देखिए आप जब किसी महफिल में जाते होंगे, बंदे का मूड हो लिखने का और लहसुन पे लगा दे हाँ, वाले, बिल्कुल आप तो नहीं कर क्या सकते। माहौल बिल्कुल, देखिए आपसे तवक्को क्या है, हमसे भी तवक्को ये लोगों की आपसे। मैं खुदा ना खास्ता, मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी मिल्लत जाफरिया का, पूरी अपनी शिया कौम का। वाकई सारे दुनिया में जो है ना, शिया हमारे जितने भी मोमिनीन हैं, वो नौखानों का भी, शोरा का भी, जाकिरीन का भी बेपनाह ख्याल करते हैं। परवरदिगार इन सबको सलामत रखे। और वल्ला हम कुछ नहीं करते सिवाय मौला के जिक्र के, और ये मेरा मौला जो है बस अपनी दरबार में झुका है। क्या बात, किसी और दर पर जो है ना मौला इस सर को ना झुकाए, कलम हो जाए, झुके नहीं, लेकिन मौला के चाहने वाले, क्या बात, के प्यार करने वाले बेपनाह ख्याल करते हैं। बहुत अच्छी इसमें बात, कोई शक नहीं है। जाहिर है कि वो जमाना, इंडिया का जमाना तो गुजर गया जब गालिब को दरबार से वजीफा मिल जाता था या जौक को दरबार से वजीफे मिलते थे। तरीका और है, लेकिन आज लेकिन मिल्लत ने, मैं भी यही कहता हूँ, हाँ, जैसा कि आप फरमा बहुत रहे प्यार हैं, मैं भी यही कहता हूँ कि मिल्लत ने भरपूर साथ दिया, किसी चीज की कमी नहीं होने दी, कभी नहीं दी। हम जो कि खैरपुर से सखर जाते हुए 10 दफा सोचते थे, अब हम मुल्कों मुल्कों घूम रहे हैं, ये आजादारों ही की वजह से। पूरी दुनिया का सफर करके बैठा हूँ 10 साल पहले जी, अब तो पता नहीं मैं अमेरिका ही कितनी दफा आ चुका हूँ, कैनेडा ही, आपको पता है मैं कब से सफर कर रहा हूँ, 23-24 साल हो गए मुझे ये दुनिया का जाहिर सफर करते हुए। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं गया। बानियों की वजह से हम भी काफी मुल्कों में जा चुके हैं। अल्लाह सलामत सलामत, अल्लाह सलामत। देखिए टिकट से तो हिम्मत ही नहीं, हम एक्चुअली बानी को देखो, बानी का बहुत बड़ा वकार है, बहुत बड़ा मर्तबा है, इसे सुनना बहुत जरूरी है। देखिए बानी, हम बानी कौन है? फर्श शहजा का बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मौला सज्जाद। क्या बात है, सलामत रहे वो लोग, वो आज़ादार के जिन्हें मौला अपना मनसब देते। ये तो मौला सज्जाद। अच्छा, बाज़ ज़ाकरीन बानियों को बहुत तंग करते हैं कि मैं आऊं तो 5-स्टार होटल में रहूं, मैं आऊं तो ये एक नौकर मेरे साथ रहे, एक गाड़ी मेरे साथ रहे, प्रोटोकॉल। बानी के पास और भी बहुत सारे दुख हैं, उसे फर्श-ए-आज़ा बिछाना है, उसे न्याज का इंतजाम करना है, उसे दीगर ज़ाकरीन, खाली शायर को थोड़ी भुगतना, उसने तो जाकिर को भी मुंह देना है। जाकिर कहता है मेरा जो डायरी लिखता है उसको भी न्याज देनी है, बानी कहाँ जाए अब। अब जफर भाई दो बातें इसमें, हाँ। देखिए जब सच सच की बात हो रही है तो देखिए, मेरा मैं सुनी भी बात नहीं करता हूँ, मैं घुल मिल गया हूँ इस हलके में। क्या बात, आपने देखा है ना, मैं 38 साल से, मैं एक झुग्गी से लेकर महल तक सही। तमाम तर सफर, इमाम फरमाते हैं उस शराब की मानिंद जियो जो गरीब की झोंपड़ी में भी वही रोशनी देता है जो बादशाह के महल में देता है। तो मैंने मौला के इस कॉल को जब से सुना तो अपने अंदर कोशिश ये करता हूँ कि मौला के अकबाल की पैरवी में। भी एक मसला है, देखिए एक मसला है, गरीब की झोपड़ी में सरसों के तेल से जलता है, वहां असली घी से जलता है। अब ये एक अलग बात है, चराग तो है ना, है चराग, चराग है, उतनी है। रोशनी देगा भले असली घी से जले या सरसों के तेल से, रोशनी उतनी देगा। अच्छा, हम मौन इकराम हम शामिल करते हैं अपने साथ इस गुफ्तगू में हमारे हैदर टीवी के रूह रवां जनाब अनीस अब्बास कमर साहब, बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन सोच खाएं, बेहतरीन मंतबत खाएं, और अब्बास अकबरी साहब बेहतरीन बिजनेसमैन है और उसके साथ साथ बानी है और उसके साथ साथ बेहतरीन इंसान है। क्या बात, इनको भी हम शामिल करते हैं। आप मेजबान रहे हैं इरफान हैदर को, कितना तंग किया है इन्होंने आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। तंग तो नहीं किया, इनसे मुलाकात जो है यूं समझे मेरे लिए एक 30 साल पुरानी हसरत थी। क्या बात है, पहली बार मुलाकात हो रही है और मैं यकीन माने लिटरली मैं दुआएं भी करता था कि मतलब ऐसा कोई मौका फराहम हो, ऐसा कोई ऐसा सिस्टम बने कि मतलब उनसे कहीं मुलाकात हो। तो अब ये तमन्ना है अभी भी, मतलब मिलने के बाद अभी? वल्ला अभी तक दिल नहीं भरा है मेरा, अभी तो कुछ ही दिन हो रहे हैं। तो कैसा पाया आपने इन्हें? सबसे पहले तो हैदर टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया सरकार, आप लोगों ने मौका दिया। इनकी आवाज जब से सुना और क्योंकि मैं ज़ाती तौर से मेरे ख़ानदान में, मेरे बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं था जो मरसिया खां हो या नोहा खां हो या मनकबत खां हो, मुझे बचपन से ही, चूँकि हम लोग भी कराची में जाते थे महफिल खुरासान और दीगर सेंटरों में, तो मुझे थोड़ा थोड़ा जो ना शौक़ हुआ। मैं भी नदीम सरवर साहब को सुनता था, तो बहरहाल हल्का हल्का बहुत स्कूलों में मैंने भी बड़ी कोशिश की, तो करते करते मतलब थोड़ा सा शौक़ जागा, लेकिन मुझे कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली। जैसा आपने अभी फरमाया कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान बिजनेसमैन है, तो हम हमेशा बिजनेस में ही रहते थे। सही। लेकिन एक ऐसा दौर आया मेरी ज़िंदगी में कि पाकिस्तान से बाहर जब मैं निकला, कनाडा की तरफ आया, तो यहाँ पर मुझे माहौल बहुत ज़्यादा फराहम हुआ ऐसा। सही।
मुझे बेस ऐसी काफ़ी मिली कि मतलब मैं सेंट्रो से बहुत ज़्यादा नज़दीक रहा, जैसे अजाय हुसैन एसोसिएशन ऑफ बीसी है वैंकूवर में जी, वहाँ मैं 4 साल मुझे एज ए वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, फिर 4 साल प्रेसिडेंट में रहा। बहरहाल मतलब वहाँ पे बड़ा, तो उस जब प्रेसिडेंट आप थे तो बड़ा मौका मिलता होगा, खुद ही पढ़ते होंगे। हाँ, तो मौका नहीं देते, ये अक्सर लोग शिकायत भी करते थे कि भाई पोडियम छोड़ ही नहीं रहे अब्बास भाई। क्या बात है। तो बहरहाल स्कूलों में तकरीरें किया करते थे। वाह वाह। तो तुम मुकर्रर क्यों नहीं बने उस फील्ड में, तो ज्यादा कशिश है। मुझे पता नहीं, किसी ने कहा कि आपकी आवाज कुछ ऐसी है, कोशिश करें कि आप कुछ पढ़ा भी करें। मैं कुरान की तलावत भी कर लेता हूँ, आयात और जियारात भी पढ़ लेता हूँ, तो थोड़ा बहुत मनकबत खानी शुरू की। अब वो सिर्फ शौक की हद तक है, और कुछ लोग अगर पसंद करते हैं वो अभी तक मैं नहीं जानता, हालांकि कहा भी है कुछ लोगों ने। बात मेरी ये थी कि इरफान अज़ा, इनको जब मैंने सुना कि तशरीफ ला रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए मैंने जमीन और जमान को एक कर दिया। कोशिश ये की कि अगर ऐसा फुर्सत, ऐसी फुर्सत मतलब हो कि मैं इनका होस्ट बनूं, किसी तरह मैं इनके खिदमत में आ सकूं, मुझे वो फुर्सत मिले कि मैं इनको नज़दीक से देख सकूं, सुन सकूं, महसूस कर सकूं। तो अब यह कि जाहिर सी बात है मेहमान हैं, और हम ईरानियों का एक वो ख़ास बैकग्राउंड भी है कि हम मेहमान नवाज काफ़ी ज़्यादा हैं, कल्चर कोशिश है। करते हैं कल्चर के लिहाज से कि हम जाते हैं फर्श की तरफ। बेशक बिल्कुल, जगह अच्छी हो, गाड़ी अच्छी हो, माहौल अच्छे फराहम किया जाए, और इंशाल्लाह ताला ने हर किस्म के मतलब जिस तरह भी मुमकिन हो कि इनको एक अच्छे तो से वो सब चीजें मुस्तकिल बुनियादों पे आपने दी हैं या जब तक मेहमान है जब तक इंशाल्लाह ताला मैं तो दुआएं करता हूँ कि ये यही शिफ्ट हो जाए, यही रहे, वल्लाह हर तरह से हाजिर है इनके लिए। कैसा पाया आपने नखरे खाने पीने में, ये नहीं खाता वो नहीं खाता, बकरे का गोश्त नहीं खाता तो मुर्गी नहीं खाता, अगर करे भी तो इनका हक बनता है वल्लाह। क्योंकि मैंने जिंदगी में मैंने भी बहुत आवाजें सुनी हैं जफर भाई, सही। एक तो हजार माशाल्लाह, मतलब आप खुद, आपको मैंने बहुत सुना है, बहुत सराहता हूँ मैं आपको। अरे आपके जी जी आपके कलाम पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ लेकिन बहुत मुश्किल है। बहरहाल मैंने बहुतों को सुना, एक खुद भाई ने भी एक दफा जिक्र किया था, आप सब भी अपना अनीस भाई, कि हर फूल की अपनी खुशबू है, अलग खुशबू, अलग खुशबू है। मगर मैं अभी तक ये मतलब कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सका कि ये कौन से फूलों में मतलब इनका शुमार होता है। नहीं, ये फूल नहीं है, ये पूरा गुलदस्ता है, सजा के। मैंने उस दिन तारुफ कराते हुए ये बात कही थी कि बेशक पढ़ना और बात है, हम भी पढ़ते हैं और भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन सजा के पढ़ना एक अलग पूरा सिस्टम है ये। मैं समझता हूँ कि मेरे इस जिंदगी के इस दौर में, और जब तक मैं हूँ, ना मैंने इनसे बेहतर किसी को सुना। अलबत्ता मैं उस नदीम सरवर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनके सारे नोहे मैं सुनता था। मेरे इस दौर में जो ना इनसे बढ़कर मैंने आवाज जो है अब तक नहीं सुनी, सही। और मैं नहीं समझता हूँ कि उर्दू जबान के अंदर हजार माशाल्लाह इनका जो होल्ड है उर्दू के ऊपर सलामत, और किस तरह मतलब ये लय को कंट्रोल में रख कर हर चीज को उसमें करते हैं, तो मेरे तो अच्छे अच्छे भी शायद ना कर सके। मगर ये कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह इनको मनवा लूँ, मुझे कुछ जरूर कुछ इनसे मिल लूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, इतनी मोटी चेन है, अंगूठियां हैं, सब दे के जाएंगे आपको। कनीज भाई, आप भी बहसियत मेज़बान इनके यहाँ मौजूद हैं, हैदर टीवी के ज़ेर एहतमाम आपने प्रोग्राम अरेंज किए हैं ज़्यादातर, क्या कहते हैं आप इनके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया दफर भाई, आप ये इरफान भाई की मोहब्बत है कि उन्होंने इस काबिल समझा कि हम इनके साथ इंटरव्यू में शामिल हैं, वरना हमारी पॉलिसी के इरफान भाई पे ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन बहरहाल अब आपने, क्योंकि मैं आपकी तकरीर सुन रहा था, तो पहले तो मैं एक आध चीज़ों का जवाब दे दूँ, उसके बाद इस तरफ आता हूँ बहुत कम वक्त में। असल में देखें, हैदर टीवी का ज़ाहिर है ऑब्जेक्टिव, जैसे इरफान भाई ने भी बताया, और यकीनन हैदर टीवी की पूरी मैनेजमेंट और हम सब जो है, और आप समेत, आप भी हैदर टीवी का हिस्सा हैं शुरू से, और आपने भी बहुत जान मारी है उसमें, बहुत ज़्यादा काविशें हैं आपकी, और इरफान भाई ने जिस तरह कहा, और इरफान भाई की यकीनन सपोर्ट भी शामिल रहती है, और अच्छे पढ़ने वालों के मीर हसन हो गए, जितने भी इस वक्त पढ़ने वाले हैं बड़े, उन सब का। इवन शुरू में जब अरबई पे हम गए थे, तो अशर जैदी ने नदीम सरवर साहब की कवरेज की थी कर्बला में, वो उन्होंने अपनी वॉल पर लगाया, क्रेडिट भी दिया हैदर टीवी का, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जहाँ पर 10,000 लोग जो है उससे ज़्यादा लोग
वीडियो बना रहे, सब कुछ बना रहे, और उसमें से नदीम सरवर ने जिस पेज पे अपने पेज पे लगाया है वो हैदर टीवी का लगाया है, तो हमारे एजाज की बात है। और जहर आपकी वो जो आपने एक बात की उसका मकसद जहर दुनिया भर में आज़ादारी, जैसे इरफान भाई ने भी कहा हर जगह जो है वो आज़ादारी ही फैलाने का, और जहर दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में कहीं पर रात है कहीं पर दिन है। अब यानी एक एक छोटा सा पर्पज अगर यही समझ लें कि यहाँ पर जब रात हो रही है और यहाँ पर आज़ादारी हो रही है और दुनिया के इस हिस्से में जहाँ पर इस वक्त रात सोने का वक्त है लेकिन बहुत सारे लोग जाग रहे होते हैं, तो वो भी उनको ये एक आज़ादारी एक और कहीं कहीं 24 घंटे बांग्लादेश जैसी जगह पर आप सोच नहीं सकते, सिंगापुर से कहाँ कहाँ दुनिया जहाँ से जो है वो प्रोग्राम किया, और फिर मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम है, फिर अरबई के हवाले से कवरेज करते हैं लाइव, करबला की जो है कवरेज होती है उस पे इतना लोग का फीडबैक आता है। सबसे बड़ी बात कोरोना के जमाने में हैदर टीवी कहाँ कहाँ से कॉल आती थी, जहाँ से हमें तसव्वुर नहीं था, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से, अज़रबैजान से, पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल आती थी। और यकीन है इसमें उल्मा का इतने बड़े पढ़ने साथ दिया, सबने साथ दिया बहुत अच्छी तरह साथ दिया है, उसमें कोई दूसरे रानी है, सेंटर वालों ने बहुत ज्यादा साथ दिया इस हवाले से कि जब वहां पर दो चार लोग बैठे होते थे, धारे कोई यहां पर जब रिस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा थी नहीं होता था, तो सबने साथ दिया है, और धारे बहुत सारे मकासद हैं। तो मैं एक मिनट, बात हो रही है इरफान अज़ा के हवाले से, लेकिन एक सवाल कि हैदर टीवी आपने क्या सोच के बनाया, कमाने के लिए कि एड आए ये वो सब उसके हवाले से बनाया या कुछ और? ये तो आपने उस जो है वो दर्द दिल आपने उस पर प्रोवोक कर दिया है। जफर भाई ज़ाहिर है बहुत सारे मकासद थे, सबसे जो प्राइमरी मकसद था वो तो ये था कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी आज़ादारी, अहले बैत का खुदा और रसूल का पैगाम और जो आज़ादारी का मकसद है वो पहुँचाया जाए, और दुनिया में मुख्तलिफ अंदाज से आज़ादारी होती है। और उसके अलावा सबसे बड़ा फोकस यहाँ पर जो हमारी जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि यहाँ की नस्ल को किस तरह बचाया जाए, और ज़ाहिर उसमें उल्मा का बहुत बड़ा किरदार है, चैनल्स का बहुत बड़ा किरदार है, और अगर हम अपनी किसी तरह भी अपने यूथ को इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है यहाँ पर और यहाँ नहीं इन जनरल, तरबियत सबसे मुश्किल तरीन काम है, बच्चों की तरबियत, और उसके अंदर आज़ादारी का जो काम है, जो इन्वॉल्वमेंट है, अगर ये आपने समहाउ कर लिया तो समझ लें आपकी नस्ल बच गई। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा तरीका नज़र नहीं आता। हमारी टीम से जो डिस्कशन होता है और उसमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे अभी जब मंजर भाई से गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत अच्छा पॉइंट एक हाईलाइट किया कि यहाँ पर जब हमने शुरू किया ये और बच्चों को प्रमोट करना शुरू किया, अब आपने देखा होगा जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं उन्होंने निज़ामत भी की है यहाँ पर, डॉक्टर आमिर ने बड़ी मेहनत की उन पे बच्चों पे, इरफान भाई के जो इतनी खूबसूरत निज़ामत करते हैं आप हैरान हो जाएंगे, जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती है उनकी निज़ामत आप सुन लें। यहाँ पर जब शबेदारी शुरू हुई तो एक होती थी शुरू में, उसके बाद 7 या शायद उससे भी ज़्यादा आज़ादारी यहाँ पर होती है, माशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं भी गवाह हूँ, जाहिर है कि हैदर टीवी लोग देख रहे हैं और मुस्तकिल देखते हैं, उसमें बच्चों को ज़बानी हदीसे किस्सा याद है, ज़ियारत आशूरा याद है, ज़ियारत अरबईन याद है, सारे ये बच्चे यहाँ के, इसमें हैदर टीवी का कमाल है। इसमें आपने किस तरह से बच्चों के हवाले से प्रोग्राम पेश किया? जी बच्चों के हवाले से हमने यानी मनकबत खानी का भी एक प्रोग्राम, महफिल भी की, मजलिस भी की, जिसमें बच्चे निज़ामत कर रहे हैं, बच्चे यानी मुसालमे की निज़ामत कर रहे हैं, मतलब इतना खूबसूरत। आपने भी, आपको याद होगा, मेहमान खुसूसी के तौर पर आपने भी शिरकत की थी जिसमें इरफान भाई के जो बच्चा है मोहसिन रजा, वो उसने निज़ामत की और इतना खूबसूरत अच्छे अंदाज से किया। यहाँ पर मैंने देखा है आसिफ अख्तर साहब एक महफिल बैठे थे, मैं खुद उसका गवाह हूँ, जिसमें बच्चा निज़ामत कर रहा था और उसमें आसिफ अख्तर साहब हैरान हो रहे थे उसकी उस खूबसूरती से, उस डिलीवरी पे जो वो अदबी अंदाज से और उसको जो डिलीवर कर रहा है, यहाँ का बॉर्न रेज बच्चा है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो है कमाल है कि बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, और जाहिर है जब एक बच्चा ये करेगा और उसको यहाँ पर जितने सारे देखेगा और दुनिया भर में यूथ देखेगी तो वो अट्रैक्ट होगी। अच्छा, यहाँ के बच्चे जो हैं वो नुआखानी के हवाले से किसे फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या कहते हैं बच्चे यहाँ के, क्या बनेंगे हम? जी मैं समझता हूँ, देखें जाहिर है जितने भी बड़े से बड़े अच्छे खूबसूरत लहन के पढ़ने वाले हैं, अच्छे कलामों का सिलेक्शन है उसमें, ज़ाहिर इरफान भाई सर फहरिस्त हैं, मीर हसन साहब हैं और नदीम सरवर, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरत जिक्र किया नदीम सरवर साहब का, ज़ाहिर वो एक ऐसा नाम है जो आज़ादारी में, दुनिया की आज़ादारी में जो है उसको ज़ाहिर वो एक हिस्ट्री का हिस्सा भी होगी, माने ना माने एक हकीकत है, मतलब उसमें कोई दूसरी राय नहीं। और उनके बच्चा ज़ाहिर है कि इरफान अज़ा का बेटा नादे अली, जब इस दफ़ा मैंने आवाज सुनी है सलाम फरमांदे, दिल खुश हो गया। वाह कहते हैं इस बच्चे के हवाले से क्या कहते हैं? माशाल्लाह, मैंने इत्तेफाक से एक ही उसका नौ सुना है, मुझे नहीं पता कितने नौहे उसने अभी तक पढ़े, लेकिन मैंने एक ही नौहा नहीं पढ़ा, एक ही पढ़ा है, एक ही पढ़ा है, और उसमें बहुत खूबसूरत उसने लग रहा है कि वो इरफान भाई का बेटा है। मैं आपको बताऊँ, जफर भाई, मैं अगेन ये नहीं कि इनके मुंह पे कह रहा हूँ, मैं
मैं देखिए आपको पता है खुद मैं खुद सोसखानी और उससे मेरा ताल्लुक है, तो थोड़ा बहुत सेंस मुझे है कि भाई कौन किस लेवल पे पढ़ रहा है, यानी अगर किसी भी मिसरे में उसने अदायगी की और उसने कितनी जगह ली, मुझे एक एक बारीकी उसका अंदाजा होगा। आखिरी जगह तो आप वैसे खुद भी वो अलग बात है वो मैं हाँ वो अगर मैं नहीं भी ले पाता हूँ, लेकिन वो एक अलग केस है। लेकिन इरफान भाई के साथ अभी तक जितना वक्त गुजरा है यानी इनमें माशाल्लाह जो सलाहियतें हैं, मैं जब नहीं मुलाकात हुई थी मेरी तो मैं समझता था कि हाँ एक 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 अच्छा पढ़ने वाला है, एक सुरीला पढ़ने वाला है, इससे ज़्यादा मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास बहर अल्फाज नहीं है या मेरा कद नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। उसकी वजह यह कि इतनी डेप्थ है सुरों पर, इतनी कमांड है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। 3.5 घंटे का सफ़र हमारा ओटवा में मुलाकात हुई और जहाँ जहाँ हमने महफिल में देखा कि जो इन्होंने जो कलाम का सिलेक्शन किया और जो पढ़ा है और जितने कामयाब यहाँ प्रोग्राम हुए हैं, मुझे नहीं पता लोगों की से पूछेंगे आपको अंदाजा होगा, लेकिन कम से कम मैं इसलिए नहीं कि हैदर टीवी उसमें इन्वॉल्व है वो कर रहा है, मैं बिल्कुल अनबायस्ड होकर आपको बताऊं। और जो भी जेन्युइन, अब ये एक अलग बात है, ये तो थोड़ा कंट्रोवर्सी की तरफ चली जाएगी, लेकिन मैं तो देखता हूँ लोग इसमें भी कंजूसी कर रहे होते हैं कि अहले बैत का जिक्र होता है और गुरुबंदी में बैठे के उसको दाद नहीं दे रहे होते हैं। मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों पे और लोगों की जहनियत पे कि कैसे कर सकते हैं। हर शहर का आलमिया है कि हसद कर रहे होते हैं लोग कि मैं, यानी बजाय इसके रश करें कि हमारी कौम का एक बच्चा है खूबसूरत पढ़ रहा है, अल्लाह इसे और तरक्की दे, बल्कि हम, हमारा मसला वही है कि हम हाथ नहीं पकड़ते, टांग पकड़ते हैं। जफर भाई आप मैं आपको बताऊं हैरत होगी, जिससे मेरी बातचीत बंद है ना, अगर मैंने, वैसे तो मेरी कोशिश होती है किसी से ना हो ऐसा, खुदा खास्ता अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी से है भी और अगर वो भी कलाम पढ़ रहा है तो यकीन माने मुझे बेइख्तियार अंदर से, अगर बाबा ने गलती से अच्छा पढ़ रहा है, मतलब ये अहले बैत के कलाम को होती है सुभान अल्लाह, एग्जैक्टली, तो ये आप अंदाज को होती है, अंदाज को। तो मैं ये बता रहा था कि विंडसर से और वहां से हम वापस आ रहे थे, 3.5 घंटे इनसे गुफ्तगू रही है, शायद मैंने 6-8 मिनट 10 मिनट मैंने कुछ अपनी कोशिश की कि इरफान भाई जा रहे थे, इतना खूबसूरत पढ़ने वाला है तो उसके आगे सबकी कोशिश होती है कि उसको कुछ ना कुछ सुनाए ताकि उससे कुछ ना कुछ फीडबैक मिले। मतलब आप आते भी और जाते भी मायूस लौटे? नहीं मायूस नहीं, मायूस नहीं लौटा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनका बड़ापन है कि ये अप्रिशिएट भी करते हैं और सराहते भी हैं और समझाते भी हैं जो आपको कहां कहां गलती है और टेक्निकल मिस्टेक, जैसे मैं शुक्रगुजार हूँ इनका, जाहिर है मेरे बेटे को बता रहे हैं और अच्छी बात बता रहे हैं। और ये वो चीज होती है जैसे खवातीन रेसिपी नहीं बताती ना अपनी हांडी की, ऐसे बहुत सारे जाकरीन नहीं बताते, बहुत सारे जाकरीन नहीं बसते, उनके कब्रों में चले गए, आगे नहीं बढ़ाए। जफर भाई, जफर भाई, इसमें एक 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 डिफरेंस में निकालूं, देखिए कुछ लोग बताते नहीं है और कुछ लोगों को पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे। अलीम आहसान, आहसान भाई, मैं आपको कुछ लोग इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा जाती एक्सपीरियंस है, कई लोगों से मैंने बोला कि यार ये चीज मैं कैसे करूंगा, तो वो सिर्फ टालते रह गए, उन्होंने बताया नहीं। और इरफान भाई से 2-3 घंटे के सफर में इन्होंने वो चीजें करके दिखाई जिसको हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि नहीं यार ये कैसे होगा, यहाँ से वापस कैसे आएंगे ऐसा, तो वो सारी बारीकियां, ये बहुत मुश्किल आसान बड़ी बात है। अपना फन किसी के हवाले करना, अपने अपना खजाना किसी के हवाले करना। मैं इससे पहले कि आप अभी ज़रा इरफान भाई की तरफ चलेंगे, मैं खुसूसी इरफान भाई का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने जो भी वक्त दिया और स्पेशली हसन नवाब साहब का जिन्होंने इनका स्केड्यूल हमें काबिल समझा कि हम इनके लिए कुछ खिदमत कर सकें, और अब्बास अकबरी साहब का, नवेद का, इन लोगों का खास शुक्रिया कि ये इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस पे इनके साथ ताकि इनको जाहिर इनका एक अच्छा भरपूर साथ हो, और इरफान भाई का जो हमारे पे ट्रस्ट किया और हमने कोशिश की कि जिस हद तक भी कर सकते हैं बहुत कामयाब अपनी जो है वो जो है इनका ट्रिप जो है कामयाब हो और बेहतरीन अंदाज से जो है इस अजाए फर्श अजा पे और फर्श विला पे जो है जिक्र हो सके बेहतरीन अंदाज से, और मैं तहे दिल से शुक्र हूं जी सरकार, मुझे इन तक पहुंचाने में और इनको मुझ तक पहुंचाने में नावेद जैदी का बहुत बड़ा हाथ है, उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। उन्होंने सिर्फ इशारा किया था, मुझे बताया था कि भाई तशरीफ ला रहे हैं, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मदद कीजिए या कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा सबील हो कि मेरी इनसे मुलाकात हो, मेरे दिल की हसरतें पूरी हों। वल्ला इस वक्त मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, जो मैं वक्त इनके साथ गुजार रहा हूँ मेरे लिए एक दरसगाह है,
क्या बात है, सीख भी रहा हूँ और खुदा गवाह है अगर कभी जिंदगी में मैंने कोई खास दुआ की थी तो वो यही थी कि इनसे मुलाकात हो आप जी। तो आपको मौला सलामत रखे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो ना मौका दिया कि मैं आपका होस्ट बनूं। जितने दिन आप इनके साथ गुजार रहे हैं जन्नत में भी आपके बहुत अच्छे दिन गुजरेंगे। आप सलामत रहिए। बेटे के हवाले से, नादे अली के हवाले से बात हुई तो मुतमईन है आप उसके मोहम्मद का। जफर भाई देखिए मैं कोशिश करता हूँ, मैंने अभी शुरू में आपसे क्या कहा था, हम कोशिश करते हैं कि मासूमीन अलैहिस्सलाम के अकवाल की पैरवी में जितनी जिंदगी गुजारी जाए तो उसमें सनद ये मिल जाती है कि कामयाबी जो है वो जरूरी है। देखिए इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारे बच्चे 7 साल की उम्र तक बादशाह हैं, उसके बाद मजीद 7 साल तक तुम्हारे गुलाम हैं, फिर उसे फिर उन्हें अपना मुशीर अपना वजीर बनाओ। तो मैंने कोशिश ये की, देखें अभी ना असल में बड़ा अलमिया है, जवान जो है वो तालीम से ना बहुत दूर हो गया। देखिए हमने अपनी पढ़ाई को, हमने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, अली स्कूल में आपको पता है मैंने 1.5-2 साल पढ़ाया है और इससे पहले मैंने मेरा ग्रेजुएशन जो है वो सेंट पैट्रिक से है और फिर ऑक्सफोर्ड स्कूल से मैंने मैट्रिक किया अपना। लेकिन मैट्रिक करते हालात कुछ सिस्टम इस तरह का था कि आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ करना चाहिए था, तो इसलिए जॉब की अली स्कूल में। अल्लाह सलामत रखे मैडम रशीद आदि साहब, रशीद आदि साहब बड़ी खिदमत है, हम बड़े जाकरीन को उन्होंने इस हवाले से नवाजा जी। हाँ तो हम बहुत ज्यादा परेशान थे लेकिन बजाय इसके कहीं हाथ फैलाए आदमी या कुछ और मेहनत करे ज्यादा बेहतर है। तो ये नहीं है कि कुछ किया नहीं है, कमर्शियल यूनियन में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी वहां जॉब किए, स्टेट लाइफ में जॉब किए, ईस्टर्न फेडरल यूनियन EFU लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें भी जॉब किए, अली अली स्कूल में, फिर जब आए तो यहाँ पर मैडम रशीद आब्दी साहब की बड़ी सपोर्ट मिली, काशिफ आब्दी जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, एक सिस्टम रहा 1.5-2 साल स्कूल में, फिर मालिक हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने नियत का जो है वो फल दिया। अच्छा बाहर यानी अंजुमन से नाता भी नहीं तोड़ा, अच्छा स्कूल की भी इतनी ज्यादा सैलरी नहीं होती स्कूल की, हाँ, नहीं, बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। अंजुमन से रابطہ ना तोड़ने के नुकसान आपने उठाए क्योंकि मैं एक फायदे भी मैंने फायदे ज्यादा महसूस किए, मैंने फायदे ज्यादा, लेकिन दूसरे साहिबान ब्याज ने तो फायदे अंजुमन से नाता तोड़ के लिए ना, जाहिर अंजुमन में रह के आदमी बाहर नहीं जा सकता, अंजुमन इतनी देर के लिए छुट्टी नहीं दे सकता। जफर भाई बहुत आसान जिंदगी गुजारना ना, देखिए आसान काम है, मुश्किल जिंदगी गुजारना इतना मुश्किल है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए सबको लेके चलना बहुत मुश्किल काम है, मैंने अपने बेटे को मैंने अपने साथ अभी शामिल नहीं किया है, एक तो वो 12 साल के अभी उनको मैंने अपने साथ अभी शामिल नहीं किया। देखिए आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है उनके खून में ये काम तो उन्होंने करना तो है, जाहिर है काम तो यही करना है उनकी, वो उनकी तखलीक वजह तखलीक यही है, लेकिन पहले तालीम की तरफ उनको पता तो चले कि ये काम है क्या। जाहिर है जब वो पढ़ाई में अपने जरा मजबूत हो जाएंगे तो फिर ये काम तो जिंदगी। अच्छा सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं कुछ साहिब व्यास तो लफ्जों की अदायगी नहीं कर पाते, वो जाहिर है कि मैंने आपसे क्या कहा इतना तालीम याफ्ता नहीं है, वो जिला को जला पढ़ रहे होते हैं, मुख्तलिफ सर गर्दान को गिरदान, बहुत सारी जिला को जला, बहुत सारी भंडे ऐसी हैं जो जाहिर कर रहे होते वगा को वगा समत को समत। अच्छा बहुत सारे मामला देखें, अब क्या है उनकी भी गलती नहीं है जो रिकॉर्ड करा रहे, जिस जिनकी सुपरविजन में वो लोग काम कर रहे हैं, जाहिर है हर आदमी सीख के नहीं आता और ना हर आदमी सीखा हुआ होता है, जो लोग सुपरविजन कर रहे हैं उनको चाहिए कि उनको बताएं। नहीं अच्छा शर्म नहीं आनी चाहिए, मसला एक और है ना कि यहाँ तो वो सुपरविजन कर रहे होते हैं जो खास साहब होते हैं, उर्दू तो उनकी भी इतनी मजबूत नहीं होती बाज़ोकात, कौन करेगा तो इसे इसमें तो एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो कैसेटे रिकॉर्ड हो रही हैं, जो नोहे रिकॉर्ड हो रहे हैं उसको देखे, उसको देखे कि कौन सी चीज खिलाफ शरा जा रही है, कौन सी चीज हमारे उसूलों से टकरा रही है, कौन सी चीज तशय्यों को फायदा देगी, कौन सी चीज हमें बदनाम करेगी, इस हवाले से चेक इन करना चाहिए। आपको पता है सरवर साहब की कॉल आई एक दफा, यही बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं ना उन्होंने मुझसे कही सही, और वो यकीनन ये इंटरव्यू वो भी सुनेंगे, उन्होंने मुझसे कहा कि इरफान मैं ये चाहता हूँ कि एक कमेटी बने। अच्छा उस वक्त बहुत ज्यादा मामला खराब हो रहे थे ना नोहों में, बहुत ज्यादा जिद्दत के लिए ना पता नहीं क्या क्या हो रहा था जफर भाई,
तो बुजुर्ग नहीं रहे, मैं कलाम सुन रहा होता हूँ उसमें जब तक हम अल्लाह और हजरत अली के मुकाबले ना करा दें तो हमें सुकून नहीं पड़ता शायरों पता को। नहीं मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है ये सब कुछ परवरदिगार। इसके लिए चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, होना चाहिए। एक जब एक कैसेट तैयार हो रही हो, अंजुमन नोहे तैयार कर रही हो, एक शायर हो, एक कंपोजर हो, ये सब देखे कि तर्जें कौन सी जा रही है। सानू नहर वाले पुल से बुला के तो नहीं नोहे में जा रही। अब देखिए ये सब चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। सरवर साहब ने मुझसे कहा ये, मैंने कहा सरवर भाई मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कौमी मामलात पर जो है ना बात कर सकूं। मेरी कोशिश ये है कि जो बुजुर्ग हैं वो लोग ये काम करें। देखें मैं नहीं समझता कि मैं भी इस काबिल हूं कि मैं इन कौमी उमूर पर बात कर सकूं। कोई तो आवाज उठाएगा। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा देखिए अगर मैं बोलूंगा तो लोग मुखालफिन की तादाद बहुत ज्यादा है, तो वो भी कहने लगे हाँ यार बात तो सही कह रहे हो। मैंने कहा सरवर भाई अब मैं अगर फिर किसी से कहूँ कि यार आओ तुम्हारी हम, मैंने कहा भी किसी से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने कहा भी कि भाई उन्होंने मुझसे एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया था कि जो आजकल ये मामला हो रहे, तो कुछ बच्चों ने नए दौर के, तो फिर आप लोगों को कौन चेक करेगा। अल्लाह अकबर, यही समझ रहे। मैं यही कहता हूं कि आज का अलमिया यह है कि अभी शायरी की शीन से वाकिफ नहीं है लिखने वाला और उसके 6 शागिर्द मौजूद होते हैं। अब ये भी पढ़ने वाला पे से वाकिफ नहीं है पढ़ने के, उसके 6 शागिर्द मौजूद होते हैं, ये कब खत्म होगा। 3 साल से मैं अल्लामा अख्तर अब्बास अल अरबी साहब को आप यकीनन जानते हैं जी, और वो बहुत अच्छा शायर भी है, परवरदिगार उनको सलामत रखे। नई नस्ल को हमें चाहिए कि हम उन्हें प्रमोट करें, और जो मतलब जिनमें एनर्जी हो, आप देखें कलाम लिखा सारी मुझे सलामत रहे आज़ादारी, सलामत रहे आज़ादार, खुदा की कसम आप कलाम सुने, अली हस्त उन्होंने कलाम लिखा, चलती है इसे नाम से सांसों की रवानी, फानी है जहां और जो है लाफानी, अली हस्त। लारैब अली हस्त, यानी और जो मुख्तलिफ मौला अली सरकार के कलाम लिखे कमाल है। अली हैदर इस साल लिखा, बहुत उम्दा शायर, बहुत अच्छा जाकिर, परवरदिगार इनको उजिशान आबदी एक नया हाँ। शायर है, बहुत अच्छा लिख रहा है माशाल्लाह। अभी मैंने देखा 1-2 साल से मैं उसको देख रहा हूँ। देखें अब ये दौर जो है ना तब्दीली चाहता है, लेकिन पॉजिटिव। मैं यही कह रहा हूँ कि तब्दीली तो होगी लेकिन पॉजिटिव, लेकिन हम उसूल तो तब्दील नहीं करेंगे, उसूल नहीं तब्दील कर सकते, तशय्यों का जो अपना एक मिजाज है उसे तब्दील नहीं हाँ कर नहीं किया जा सकता नहीं। देखिए लेकिन अब मामला पता है क्या हो रहे हैं। देखिए अभी मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं सोशल मीडिया से भी बहुत दूर हूँ, और इस दौर में रहते हुए भी देखिए मेरा चैनल ज़रूर बन गया है, कंपनी देखती है, बच्चे हैं, अल्लाह सलामत रखे, मेरी टीम इरफान अज़ा। ये जो आप लोगों ने एक और सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जी हम अगर कोई प्रोग्राम दे दें जी स्ट्राइक आ जाती है, यूट्यूब हमारा बंद हो जाता है, कब बंद होगी ये सब चीज़ें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें अब फिर वही बात, एक प्रोडक्ट आपकी है जैसे ये हैदर टीवी है, अब मैं कोई इनकी पर्सनल प्रोडक्ट जो है वो हैदर टीवी फरोगे जिक्र अहले बैत कर रहा है, हम भी फरोगे जिक्र अहले बैत कर रहे हैं, कलाम डाल रहे हैं और स्ट्राइक आ जाती है, हमारा नुकसान हो रहा होता है, यूट्यूब बंद हो जाती है, क्यों हो रहा है ये जफर भाई। ये कंपनी पॉलिसी है, देखें अब असल में हमें इसलिए चाहिए, इमाम फरमाते हैं कि अगर रवाबित हों तो बहुत गहरे दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं, सही, और अगर रवाबित ना हो तो बहुत अच्छे दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं, सही। बात यह है कि हमें एक दूसरे से रابطے में रहना चाहिए, हमने रابطوں का सिस्टम खत्म कर दिया है, हमने सवाल का सिस्टम खत्म कर दिया। मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि सवाल के दरवाजे बंद कर दिए, रابطے एक दूसरे से करना बंद कर दिए, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हैदर टीवी की तरफ से एक बार ऐसा हुआ मेरे चैनल ने स्ट्राइक शायद दी, तो जो है शायद मंजर भाई वगैरह ने मुझे कॉल की, जब मुझे कॉल आई तो मैंने वहां कंपनी कॉल की और मैंने उनसे कहा भाई ये स्ट्राइक हटाइए, उन्होंने कहा सर हमने मतलब मैंने नहीं कहा था उनको ये स्ट्राइक दो, ये एक पॉलिसी होती है कंपनी पॉलिसी, जाहिर है वो मुझे अर्न करके देते हैं ना पैसे जो कमा के देते हैं, उसमें उनका भी 50% सिस्टम है, सही। तो वो इस बात के अहल हैं कि वो किसी को उनकी प्रोडक्ट पर स्ट्राइक भेजे, लेकिन जब हैदर टीवी से मुझे कॉल आई शायद मंजर भाई ने की थी या अनीस भाई ने की थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने 1 सेकंड के अंदर उनको ये बोल के और उनकी वो स्ट्राइक को रिमूव करा। नहीं तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जाहिर है कि हैदर टीवी का भी अभी अनीस भाई ने बताया। अच्छा एक और भी सिस्टम, एक तो इसमें ऐड नहीं चलते, नहीं एक और जाहिर है कि अगर ऐड हम ले रहे हों लोगों से तो सर्वाइव कर रहा है जी टीवी। जफर भाई इसका बेहतरीन तरीका क्या है मैं आपसे फिर कह रहा हूँ,
सारे लोगों के लिए, मैं सारी दुनिया के लिए, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जिसका प्रोडक्ट है आप उसको इस्तेमाल करने से पहले उससे एक दफा इजाजत ना बता दें, कम से कम इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं ये मौला का जिक्र है, ये सारी दुनिया के लिए और आम होना चाहिए। अगर फरोग अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेड़ा उठाया हुआ है तो फिर सारी दुनिया जो मैंने पढ़ दिया है वो सारी दुनिया के लिए पढ़ा है। अब उसे जैसे जो चाहे, देखिए मेरे 10,000 नौहे आपको बच्चों ने पढ़े वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। सही, शमा से शमा जले या जहरा बीबी जहरा ये दुआ है, जाग शीरी जाग जा, शब्बीर का जाकिर हूं मैं, पंजों पे चलते रही बाबा, आप सर्च करें 10,000 नौहे मिलेंगे मेरे, किसी को मैंने स्ट्राइक नहीं भेजी। वजह क्या है, हम आपका नौ पढ़ना चाहते, पढ़ लें बिस्मिल्ला बेटा हम आपका। उससे ये होता है कि जब मैंने बिस्मिल्ला कह दिया तो वो कंपनी सुन रही है ना। सही, जाहिर है मैं उनको पैगाम देता हूँ कि हाँ ठीक है तुम साहिब इजाजा हो कि तुम ये कर सकते हो, तो वो कंपनी फिर अब इस चीज की, इस चीज को जो है वो ओबे करेगी मेरे इस ऑर्डर। तो मतलब अजादारियों में कंपनियां बन गई? नहीं, कंपनी अजादारी में नहीं, हमारे पैगाम को आगे भेजने के लिए। देखिए पहले सीडी थी, सीडी की भी कंपनी थी, उससे पहले ऑडियो कैसेट का चक्कर था उसकी भी कंपनी थी। अब जो सीडी वालों का हिस्सा था, वो जो कैसेट वालों का हिस्सा था, वो भी साहिब व्यास कमा रहा है मतलब। अब सिस्टम साहब नहीं ऐसा, अब देखिए इस पर जो है ना मुझे इतनी नोहा हो नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, इन सोशल मीडिया मेरा काम, मैं चाहता हूँ कि अजाई फर्श से लग कर रहा हूं। क्या बात है, तो मुझे मैं ना मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या साइंस है। अच्छा, इरफान आजाद जी ये नाम क्यों रखा है, क्या मतलब क्या बतूफैले मोहम्मद वाल मोहम्मद? देखिए हर वो किसी का नहीं रखते, वो सबको नवाजते हैं। सही, बचपन में सुना करते थे कि सफ़ीर आज़ा नदीम रज़ा सरवर सफ़ीर आज़ा मालिक की कमाल है। क्या बात है, यानी अच्छा अब लोग हमें समझते हैं कि हम ना इतने ही बड़े पैदा हुए, नहीं हम बहुत छोटे थे, हमें शायद सांस लेने का भी सही तरीका नहीं आता था, हमें चलने का सही तरीका नहीं आता था। तो उस वक्त हमने देखा कि एक, फिर लोग कहते हैं कि आप नदीम सरवर की बात इतनी क्यों करते हैं, मैं क्यों नहीं करूँ, नौहा नाम आएगा, नदीम सरवर का नाम लेना वाजिब है। सही, मैं क्यों, मैंने सीखा उस आदमी को देख के पढ़ना, जब मैंने कहा ना। अच्छा, जब मैंने बड़ी अच्छी बात देखी आप में कि आपने किसी से कोई पंजा आजमाई नहीं की। क्यों करूं, मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, इज्जत के साथ, खाली टेनिस मदद चाहता हूं मैं, कदावरों में अपना भी कद चाहता हूं। क्या बात है जफर भाई, देखें उसमें मैं बताऊं अगेन इनके मुंह पे, इसलिए ये यहां बैठे हैं इसलिए कह रहा हूं, देखें मुझे मेरे जैसे पढ़ने वाले ना 1,000 होंगे, मुझे पता है कि मेरा क्या लेवल है, हर आदमी को एक अंदाजा होता है ना अपनी। आप ईमानदारी से बताएं कि इस लेवल पे पढ़ने वाले के जो सुर हैं इनके, सिवाय 2-4 लोगों के, जो कि शोहरत एक अलग चीज़ है, पढ़ाते एक अलग चीज़ है, टेक्निकल अगर आप उस पर ग्राउंड पे बात करें तो बहुत ही कम आपको मिलेंगे जो ये कह सकेगा कि भाई नौहखानी में जिस बारीकी से इरफान भाई नौहों में कलामों में अदायगी करते हैं, मैं तो अभी तक यानी जब जो भी कलाम सुने ना इनके मैंने, और उसमें ख़ास तौर से जो जिसमें बहुत ज़्यादा बारीकियाँ हैं, उसके तो नशा ऐसा चढ़ जाता है, यकीन माने रात भर मुझे नींद नहीं आती। ऐसे 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 मसला यही है कि कराची ने कभी भी क्लासिकल चीज़ों को कबूल नहीं किया आज़ादारी में, मतलब अगर किसी का हाथ उड़ गया खान साहब की तरह तो कराची वाले उसे भी अच्छा नहीं समझते। अच्छा, नहीं, लेकिन नोहा खानी में ये लाना और फिर एतराज ना होना, उंगली ना उठना, ये बड़ी बात, ये बहुत मुश्किल काम है। ये कैसे, लेकिन इसमें इससे पहले के जवाब दें, आपने एक इंटरव्यू में आपने भी इस नुक्ते को छेड़ा था पहले, और आपने खुद ही ये बात कही थी कि क्या शायरी इतनी हल्की हो गई है कि पढ़त की इतनी खूबसूरती की जरूरत आ गई ताकि वो हाईलाइट हो सके, चाहे नौहखानी हो चाहे शोर को, शोर को, यानी उसने यानी शायरी के ऊपर अब ये गलबा हो गया ना इसका, पढ़त का। ये अभी अभी गुफ्तगू करनी थी इस बात, इस पे भी अभी गुफ्तगू होगी जी, कैसे मुमकिन हुआ कि नोहे में आपने वो काम किया जो मनकबतों में भी अच्छा नहीं लगता था लेकिन यहाँ बुरा नहीं लगा? देखिए फिर मैंने आपसे कहा था, देखिए मैंने इस चीज़ को बाकायदा सीखा है लोगों से, बुजुर्गों में बैठना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे जो है ना सीखने में या पूछने में बड़ी शर्म महसूस कर रहे हैं,
देखिए दौर है ना अब तो सोशल, असल में मैं नहीं, आपसे शर्म की बात नहीं है, वो सब जानते हैं, वो बल्कि पूछने को ऐप समझते हैं, हम जानते हैं, मुझे नहीं मालूम है। अल्लाह अकबर। मैं देखिए हमने हमने बड़ा अदब के साथ अपने आप को वाबस्ता रखा है, हमने सुना है, हमने सीखा है, जिन लोगों को हमने देख के सीखा उनको अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हुए देखा। क्या बात है। तो मैं आपका एहतराम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो है ना, देखें इसमें मेरी गरज शामिल है, मैं चाहता हूँ कि कल का जफर अब्बास मेरा एहतराम करे। क्या बात। आज अगर मैं जफर अब्बास का एहतराम करूंगा तो कल का जफर अब्बास मेरा एहतराम करेगा। मैंने अगर नदीम सरवर साहब का एहतराम नहीं किया तो कल कोई मुझे मेरा एहतराम नहीं करेगा। देखिए ये सिस्टम शोहरत अच्छा, बड़ा मुश्किल काम होता है किसी के फन को मानना, किसी की बड़ाई को मानना, इमाम फान के आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने अभी कहा एक जगह, एक जगह बहुत अच्छा, एक शायर जो है ना नूर अली नूर साहब, कमाल, मौला उनको सलामत रखे, क्या मारका तो लारा मुसद्दस पढ़कर गया वो शख्स। उसके बाद मुझे आके बैठना था, अच्छा कोई ऐसा हाथ नहीं था, लोग खड़े होकर दाद दे रहे थे उस शख्स को। तो अचानक जो है जो नाजिम महफिल थे उन्होंने मुझे बुला लिया, मैंने वहाँ आकर ये कहा परवरदिगार इनको सलामत रखे, क्या हसीन महफिल को जमा कर गए। उन्होंने कराम मानोगे तो माने जाओगे। वाह, पता नहीं मालिक को मेरे जुमला कितना अच्छा लगा। क्या बात है कि मेरी महफिल यहीं से शुरू हो गई। वाह। अब देखिए लोग जो है ना करना तो चाह रहे हैं कि बाबा ये नदीम सरवर बन जाए, यार मुझे जन्नत में जाना चाहिए। एक जगह मैंने सवाल किया लोगों से तो बड़े खामोश बैठे थे लोग। मैंने कहा यार जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है, सबने हाथ उठा लिए, दोनों हाथ उठा लिए। मैंने कहा और मरना कौन कौन चाहता है, कोई नहीं, एक आदमी ने भी हाथ उठाया। मैंने कहा शर्ते और अव्वल कर लिए होंगे कहीं फरिश्ते देखना लेके हाथ आवाज। मैंने कहा शर्ते अव्वल है, मैंने कहा जिंदगी से उस जिंदगी में जाने के लिए मौत शर्ते अव्वल है। मौत वो शारा है, वो सफर है जो यहाँ से गुजरे बगैर तो जन्नत का सफर, इस रास्ते से गुजरे बगैर जन्नत तक नहीं जा सकते, लेकिन जन्नत सब चाहिए, मौत को कोई नहीं चाह रहा। तो ये सिस्टम है। अब देखें इरफान अज़ा का जो आपने मुझसे सवाल किया, बतुफैले मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मालिकों ने करम किया, मैं देखता था बचपन में कि नदीम रजा सरवर, सफ़ीर अज़ा और वो नवा शहनशाह नासिर हुसैन जैदी, और मैं ये देखता था तो मैं कहता था मालिक ये कह तेरे दर से वाबस्तगी की क्या क्या मौला ने इनामात से नवाजा है। तो फिर अचानक जो है अबरार हसन जो नाजिम है, नाजिम है, एक जगह अंजुमन अब्दुल्फ़ार की शिबेदारी में उन्होंने मुझे इरफान अज़ा कह के बुलाया। वाह। कहने लगे अब और अब हम इरफान अज़ा, इरफान विला, जनाब इरफान हैदर साहब से जो है ना वो मुलतमिस हैं कि वो आकर बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके मजलूम घराने का पुरसा दें। ये बात हिंदुस्तान तक पहुँच गई, कराची में गश्त किया इस आवाज़ ने, और मैंने अबरार भाई के मुँह से सबसे पहले ये इरफान अज़ा का लफ्ज़ सुना और जिसका जो हक़ है वो उसको देना चाहिए। फिर हिंदुस्तान से मुझे अवार्ड मिला इरफान अज़ा और बशीर अज़ा का लखनऊ से, उन्होंने गोल्ड मेडल, लोग गोल्ड मेडल कहते हैं ना, गोल्ड मेडल विद ट्रॉफी, और वहाँ के अखबार में भी आप देख सकते हैं इरफान अज़ा और बशीर अज़ा का मुझे वहाँ से लकब। बशीर अज़ा क्यों जनाबे, जब कारवान लुट कर आया ने कहा कि जाओ मना करो, आ गया काफला। तो इसलिए यानी हम भी अहले बैत के घराने का तस्करा करते हैं ना कि कार ये लुटा हुआ काफला, तो इसने बशीर अज़ा का उन लोगों ने मुझे वहां से जो है वो खिताब दिया और इरफान अज़ा का खिताब मिला। मैं करोड़ों अरबों खरब शुक्राना बीबी ज़हरा सलामुल्लाह की ज़ात पर, करोड़ों सजदे इस शहजादी की ज़ात पर, इसलिए कि उसने हमें अपने घराने से मुतमस्सिक रखा। और इरफान अज़ा टीम में मेरी बहुत अच्छी एक टीम, पढ़े लिखे लोगों की टीम है, और बड़ा मैंने आपसे कहा ना काल है ये कि आजकल पढ़ाई से बहुत दूर हो गए लोग, मशावरत है उन बच्चों के साथ आजकल, सिर्फ नौ खानों में नहीं, जाकिरीन में भी मैंने देखा है, उलमा में मैंने देखा है, साथ कौन है मशावरत किसकी है, बच्चों की, जिन्हें इस फन के मुताबिक कुछ नहीं मालूम उनसे मशवरा लेके काम कर रहे हैं। परवरदिगार रे आलमीन का बड़ा ये मुझ पर एहसान है, मैं करोड़ों अरबों खरब शुक्राना पाक शहजादी की बारगाह में पेश करता हूँ। परवरदिगार फरमा रहा है कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम नेमतों पर शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और नवाजूंगा। तो मैं शुक्रिया हर नेमत पर इसलिए भी अदा करता हूँ कि मुझे उससे और चाहिए, और मालिक ने मुझे जो इरफान अज़ा टीम की शक्ल में बहुत अच्छे अच्छे बड़े प्यार करने वाले बहुत सुलझे हुए लड़के नवाजें,
किसी एक का क्या नाम लूँ, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये टीम, इसका मकसद ये है कि जो नौआ खान अगर परेशान है तो देखें, मैं जफर भाई, मैं अगर लाख रुपए किसी की परेशानी में दूंगा ना, तो दोबारा वो लाख देने के लिए ना मुझे एक साल दरकार है, दो साल दरकार है, यानी मैं अगले महीने उसको वो लाख रुपए नहीं दे सकता। लेकिन अगर 20 आदमी 5000 रुपए मिलाकर, क्या बात है, मेरे तो 5000 जाएंगे ना, 20 आदमी 5000 रुपए देंगे तो जिसकी जरूरत है उसको लाख रुपए पहुंच जाएगा, और हमारा कितना गया, सिर्फ 5000। नहीं तो वो टीम जो आपकी है वो क्या काम कर रही है आपके लिए? मेरे लिए ये काम कर, के लिए मेरे लिए भी काम कर रहे हैं एक्चुअली, वो फरोगे अज़ाई इमाम हुसैन अलैहि सलातो सलाम के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं काम कर रहे, वो तमाम नौ खानों के लिए काम कर रहे हैं। किसी की कोई अच्छी बात, किसी का कोई अच्छा नौ, वो सोशल मीडिया पर हमारे, ये भी नहीं सिर्फ तो मुझे बाकी टीमें तो दूसरों के छुपा देती हैं, अपने वाले को आगे नहीं, मैंने अभी आपसे क्या कहा है, अपने आड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बाकियों को पर्दा डाल देते हैं। कह रहा मैं मालिक हुसैन, मैंने अभी आपसे ये कहा कि पढ़ा लिखा तबका है मेरे साथ इस टीम में, जो नौहा खानी जो कर रहा है ना उसकी नजर में नौहा है, इरफान भाई का पढ़ा हुआ नहीं, किसी ने भी नौहा पढ़ा है अगर तो वो नौहे को प्रमोट करना है, अगर अच्छा कलाम उनको अच्छा लगा है जो भी है उन्होंने नोहे को प्रमोट करना है, इरफान भाई को नहीं, कोई भी करे। अच्छा, किसी नौ खान के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है अनिस भाई, तो वो उन्होंने हम अगर मुझ तक बात पहुंचती है तो मैं, जाहिर है मुझ तक ही आती है बात, फिर मैं अपनी टीम में एक मैसेज, हमने ग्रुप बनाया हुआ है, इरफान अज़ा वर्जीनिया, इरफान अज़ा डैलस, इरफान अज़ा तेहरान, इरफान अज़ा कुम, इरफान अज़ा कराची, इरफान अज़ा पंजाब, इरफान अज़ा सिंध, इस तरह की टीमें बनी हुई, इरफान अज़ा रायबंद दुआ करेंगे वहां भी मिल जाएगी। तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में और यहाँ भी इंशाल्लाह बन जाएगी, बन गई है माशाल्लाह। अनीस भाई हैं, अकबर अब्बास अकबरी साहब हैं, आप खुद हैं माशाल्लाह, हसन नवाब साहब को मैं कह चुका हूँ कि वो जनरल सेक्रेटरी हैं इरफान अज़ा टीम के, इंटरनेशनल जो इरफान अज़ा इंटरनेशनल चेयरमैन बना दें, अल्लाह नहीं मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे बहुत। मैं कहता हूँ कि देखिए मौला अपने प्यार करने वाले, जिसने इतना सभी अभी मौला की अज़ा के लिए काम किया ना, मौला ने उसे मुज़तर नहीं रहने दिया। आप देखें कि पाकिस्तान में रहते हुए जब कनाडा की बात आती है, बड़ी बड़े सेंटर्स मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन हसन नवाब का नाम सर फहरिस्त है। और कैलगरी देखिए, कैलगरी हमें क्या पता था कैलगरी है कैनेडा में, कैलगरी की भी जो सोशल मीडिया टीम है उसका जवाब नहीं है, देखिए ना कमाल। ये हसन नवाब बाबुल हवाइज इस्लामिक सेंटर परवरदिगार दुनिया में जाना जाए मैं चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह कि हसन नवाब के जाती तौर पे जहां तक बात है, मैं खुद मौजूद था 8 रबी अव्वल को उनके जवान भाई की डेथ हुई कोरोना में, जवान भाई जी, और 9 रबी अव्वल को जश्न मना रहे थे, कमाल। देखिए ये शख्सियतें फिर आजादारी के लिए फिर देखिए ना हमारे महसूस करती हैं इमाम हुसैन के दर्द को। सर मैं यही आपसे कह रहा हूं, फिर फरोग अहले बैत में काम करना, मैंने ना जिन लोगों के साथ, देखिए मैं ज्यादा मैं करना नहीं चाहता, तो बस बात यह है कि मैं बुजुर्गों की, देखें अभी तक मेरी कोशिश ये है कि दूसरों की बात करूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एक तस्वीर जो आपको नजर आ रही होती है ना, मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, मैं अपनी पूरी टीम से कहता हूँ, देखिए अंजुमन अलग है मेरी, ये इरफान अज़ा टीम जो ये मेरी पर्सनल जो मौला ने ये तस्बी मैंने खुद बनाई है, मैं दुआ करता हूँ इस तस्बी को मौला सलामत रखे, इसमें बड़े प्यारे प्यारे नगीने मौला ने मुझे दिए हैं, शमसी साहब की भी सरपरस्ती हासिल है। लेकिन मैंने शमसी साहब से कहा, मैंने कहा शमसी भाई अगर आप इरफान अज़ा में आ जाएंगे ना तो मेरी जिंदगी के किसी भी काम की कोई अगर मैं फर्म बनाऊंगा तो उसकी सबसे बड़ी सीट जो होगी वो आपकी होगी, यानी शमसी साहब की। तो मैंने कहा इरफान अज़ा ज़ाहिर है मेरे नाम से मंसूब है, तो जो लोग हैं उनको ये गरां गुजरेगी बात कि अगर मैं सबसे बड़ी सीट आपको दूंगा तो आप सरपरस्ती रखें, तो इसका जो है होलसोल जो है वो मैं ही हूँ, मतलब यहाँ बर्दाश्त नहीं किया नहीं, मैं तो बर्दाश्त, मैंने आपसे क्या कहा सरपरस्ती शमसी साहब की। शब्बीर ज़ाकिर ये भी टीम का हिस्सा है जी, बच्चा है, एक घोटकी में रहता है, अली रजा नाम है, जानता हूँ, कई प्रोग्राम मैंने पढ़े, अल्लाह अल्लाह उस बच्चे को सलामत रखे। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, जैसे यहाँ पर कोई क्लिक होती तस्वीर, 5 मिनट के बाद वो मुझे भेज रहा होता है पर्सनल नंबर पे, तो उसका क्या सिस्टम है वल्ला मुझे नहीं मालूम, परवरदिगार उसको सलामत रखे। बाकर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हुसैन मुश्तबा हैं, हसनैन हैं, इशरत हुसैन। तो आगे बढ़ने के लिए इसका मतलब है नए बच्चों को, नए आने वालों को अपनी टीमें बनानी चाहिए।
देखिए ज़रूर बनाना चाहिए, मकासद देखने चाहिए क्या है। देखिए मैं आपको भी इसमें मैं सवाल यूँ करूँगा ज़फ़र भाई, बल्कि मेरे जहन में था सवाल ये कि मुझे भी एक आध बच्चों ने अप्रोच किया, बहुत अच्छा पढ़ने वाली, यहीं कैनेडा के, यानी इसमें मैं कैसेट निकालना चाहता हूँ। जब उसको पता लगा नवेद ने अपना हैदरी स्टूडियो स्टार्ट किया तो उस हवाले से, तो मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, मैंने उसको ये मशवरा दिया, मैंने कहा देखो बेटा बहुत मुझे 20-25 साल हो गए पढ़ते हुए, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा शौक नहीं है इस तरह की चीज़ों में, किया है लेकिन इतना नहीं है, तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज़ है, अभी तुम रुक जाओ, पहले तुम समझो कि तुम क्या पढ़ रहे हो, ये मैंने उसको मशवरा दिया। तो मैं वही सवाल बल्कि इरफान भाई से करूँगा कि इस इज्जत को, इस शोहरत को, ये जो, क्योंकि जाहिर है अगर वक्त से पहले मिल जाए, जैसे आप ही कह रहे थे कि अगर वक्त से पहले मिल जाए तो उसको आदमी संभाल नहीं पाता है, तो ये जो आज के जो बच्चे हैं जो कि बहुत सारे अच्छे भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि क्या उनको 2-4 साल 5 साल पढ़ते हुए वह अच्छा सुर थोड़ा बहुत जानते हैं, क्या वो रिकॉर्डिंग कराने लगे, क्योंकि उनका भी मकसद तो अदादारी को ही फरोग देना है। इरफान भाई प्लीज इस चीज को कैसे एड्रेस किया जाए, बच्चों को कैसे समझाया जाए कि यार ये चीज जो है इसको अभी इतनी नहीं, जब तक मैच्योर ना हो जाओ उससे पहले इसमें एंटर ना हो, तो आप इस शोहरत भाई इंशाल्लाह हो सकता है बहुत और सुलझा हुआ इंशाल्लाह इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। यही बातें अभी पिछले दिनों मेरे हसन भाई के साथ भी हो रही थी इत्तेफाक से, और मेरे घर से भी ये सवालात उठे कई बार, मैं भी कई बार गया हूँ स्टूडियो में नावेद के यहाँ पर रिकॉर्डिंग कराने के लिए, तो अक्सर जब भी जाते थे तो बच्चे ज़रूर होते थे, 2-3 लाइनों में लगे होते हैं कर रहे हैं। देखिए एक तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, दूसरा मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये चैनल भी है तो इसको जो ना पहुँचना भी चाहिए लोगों को, मेरे भी बच्चे हैं। आज की दुनिया में और ख़ास तौर से दुनिया के इस खित्ते में, इन कोनों में अगर देखा जाए यूरोप में और इस तरफ, बहुत ख़तरनाक दौर से जो है ना हर चीज़ सामना हो रहा है सबका, बच्चों को जो है बहुत ही दिक्कत से बहुत तरीके से तरबियत देनी पड़ रही है, सब कुछ हिसाब किताब है, घरों में डिश एंटीना है, मोबाइलें हैं, हर चीज़ है उनके हाथ में, अवेलेबिलिटी हर चीज़ के लिए, बड़ी आसानी से सिनेमा हॉल्स में, बड़ी आसानी से ऑनलाइन यूट्यूब्स में, चैनलों में जाकर ये लोग अपने लिए आइडियल्स बना लेते हैं, या कोई इंडियन सिंगर्स हैं या कोई अमेरिकन एक्टर्स हैं, बहर सूरत अगर हमारे बच्चे हमारे अपने नौहे पढ़ने वाले मरसिए पढ़ने वाले कॉपी करें, या देखिए ये जो क्लिप्स बन रही हैं सही है, कोई आउटडोर शूटिंग कर रहा है, कोई इनडोर कर रहा है, जाहिर सी बात है साफ कपड़े पहनने चाहिए, ये सब कॉल हैं तो अच्छा भी दिख रहा है आजार माशाल्लाह, क्यों नहीं हम अपने ही मशहूर और अच्छे पढ़ने वालों को अपना आइडियल क्यों ना बनाए हमारे बच्चे, क्या बात है, अच्छी बात सही। तो ये चीज जो मैं समझता हूँ माँ बाप को डेफिनेटली अपने बच्चों तक जो ना मुंतकिल कर लेनी चाहिए, उनको और ज्यादा रुझान ये जो पढ़ाने के लिए लेके जाते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग होती है अनिश भाई आपका, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए बच्चों के इन्वॉल्वमेंट के परस्पेक्टिव से। एग्जैक्टली अब्बास भाई मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँ, अब ज़फ़र अब्बास साहब ने मुझसे पूछा अभी और अनीस भाई ने ये कहा कि भाई जो नए पढ़ने वाले हैं क्या उनको अभी कैसेट फौरन निकालना चाहिए या अभी उनको पढ़ना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए भाई। मेरा देखें इसमें आपको मैं एक सोचा समझा सा एक अभी अभी मौलाना ने अता किया, जिस बिल्डिंग की नींव जो है वो अगर आपने बुनियाद अगर आपने किसी बिल्डिंग की कमजोर ऊपर तक टेढ़ी बनेगी, सब टेढ़ी नहीं जरा सा वजन पड़ने के बाद गिर जाएगी, सही बात। तो देखिए बुनियाद जो है ना बहुत जरूरी है किसी भी काम में। मैं अभी बार बार क्या कह रहा हूँ आपसे, मेरे बच्चे को मैं अभी जो है वो दुनियावी तालीम से आरास्ता जब किए जाते हैं ना तो बच्चों को ये पता होता है कि हमने करना क्या आगे, जब वो खुद राह तलाश करते हैं ना। देखें मंजिल तो हमारी करबला है, इमाम फरमाते हैं अगर मंजिल हसीन हो तो रास्ते की परवाह मत करना, अगर रास्ता हसीन हो तवक्कुफ करो, देख लो कि मंजिल क्या है, मंजिल भी सही है, मंजिल भी सही है या नहीं। तो मंजिल हमारी करबला है तो हमें रास्ते की परवाह नहीं करनी, लेकिन इस काम को समझने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसमें इमामों से हमको पढ़ा लिखा आजादार चाहिए, बिल्कुल देखिए माफी के साथ। अच्छा अनीस भाई अभी जो बात कहना चाह रहे थे वो कह नहीं पा रहे थे, मैं कह देता हूँ जिस बेटे के लिए मेरे कहते हैं ये, मैं नहीं समझता कि वो अभी महफिलों में पढ़ने जैसा है, यानी सुनने वालों का भी वक्त ज़ाया हो, महफिल में भी एक मजीद इजाफा बने, बोझ बने, तो हम क्यों नहीं चाहते कि अपने बच्चे को पहले सिखा लें। हमारा बच्चा अभी उल्टा सीधा पढ़ रहा होता है, मैं अपने ऊपर रख रहा हूँ,
और हम चाहते हैं कि जी ये नदीम सरवर से पहले पढ़े, ये हमारी सोच कब तब्दील होगी कि हम बच्चे को सजा के ले जाएं, लेकिन बच्चा सिखा के ले जाएं, बच्चे की हौसला अफजाई अपनी जगह बस हौसला, लेकिन वो जो दुनिया में जा रही है आवाजें वहां पता चले ना कि शिया बड़े मुनज्जम कौम है और सजा के लेके आते हैं। एक नवाब खान ने मुझसे ये कहा, बेशक एक नवाब खान ने मुझसे ये कहा कि यार इरफान देखो तुम मौला ने तुम्हें गॉड गिफ्टेड ये सिस्टम दे दिया, इसलिए तुम्हें जो है ना मामला जो है ना खातुमे पता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। हिंदुस्तान के जो गुलकार हैं, जो गाने वाले हैं, वो लोग इतने घंटे रियाज करते हैं। मैंने कहा भाई तुझे सुबह भैंसे लेके जाना होता है या तो बकरियां चराता है। मालिक हुसैन इब्ने अली यार हमें कोई काम नहीं है, मैं वल्लाह आपको बता रहा हूँ, हमें चाहिए कि हम अपने काम से बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाए। देखिए अभी बहुत सारे कलाम मैंने तैयार किए, मनाकिब मैं बहुत सारे वादे किए लोगों से कि मैं मनाकिब रिकॉर्ड कराऊंगा, और वल्ला मैंने बहुत अच्छे अच्छे कलाम तैयार किए, शोरा से लिखवाए और उन शोरा को पता भी है कि मैंने उनसे कलाम लिखवाए, मैंने उनको बहुत अच्छा सा कंपोज किया, बहुत अच्छा सा सिस्टम बनाया। लेकिन जब मैंने ये देखा सोशल मीडिया पे लोग आके दिखाते कि फला देखें ये मनका बताए इस पर देखें कितनी गालियां पड़ रही हैं, ये मनका बताए देखें इस पर कितनी गालियां पड़ रही, मुझे तो ये साइंस ही समझ नहीं आती कि मनकबत पे गालियां, तो ये मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा। हमने देखा है कि किसी मुल्क का आदमी अगर अच्छा गोल मार दे ना फुटबॉल में तो पूरी कौम पूरा मुल्क उसको जो है ना अपने सर पर बिठाता है, और मैं ये कह रहा हूं कि मनकबत खान को गाली। एक और मसला है यहाँ, मैं अपने घर में इंडियन ड्रामे भी देख रहा हूँ, कवालियां भी सुन रहा हूँ, सब चीजें देख रहा हूँ, सब चीजें सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैं अज़ाखाने में आता हूँ तो मुफ्ती बन जाता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है, देखिए ये बड़े सोशल मीडिया ने बहुत बढ़ाई है, देखिए जहां तक अच्छा है काम वहां तबाही अभी बहुत ज्यादा मचाई है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, हिंदुस्तानी कोई एक्टर है अनुपम खेर, उन्होंने कहा कि ये मोबाइल ने बहुत सारी चीजों को खा लिया है, ये ऐसे ही सेहतमंद नहीं है, क्या बात है, इसने वक्त खा लिया है, इसने रिश्ते खा लिए, रिश्ते खा लिए, बराबर भाई बैठे हुए हैं, उनके रिश्ते 2,500 किलोमीटर दूर पे हो रहे हैं, मैं भाई से कटा हुआ है, रिश्ते खा लिए, इसने रिश्ते खा लिए, इस मोबाइल ने जो है ना सेहत खा ली है लोगों की। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतने बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है हमारे यहाँ। हमने जो है ना लोगों को बजाय इसके कि जैसे अभी अब्बास अकबरी साहब ने कहा कि हमारे आइडल जो होने चाहिए नौखान जाकिरीन उलमा, मैं ये कहता हूँ कि किसी देखिए इंसान उसे ही कहते हैं जिस जो गलती करे, सही समझ रहे, वरना फरिश्ता ना हो जाए, फरिश्ते ना हो जाए। देखिए गलती कर ली, अब आप जाके पहले उसे समझाएं, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं, अलग आप जाके उसको प्राइवेट मैसेज करें, 10,000 तरीके बात कर लें उससे, उसके प्राइवेट नंबर पर उसको मैसेज कर दे, एक ग्रुप पर जो है किसी को गालियां, मुझे बड़ा अफसोस होता है, इसलिए नहीं कि मैं देखिए मैंने जिंदगी में ये तसव्वुर भी नहीं किया है। तो मैंने पता है आसान काम क्या किया, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हुए, मैंने कहा यार मैं कर ही नहीं रहा। मसला ये है कि अपने को गाली देने में कोई खतरा नहीं होता, दुश्मन जहरा को गाली देते हुए डरते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर, मैंने इसका बेहतरीन हल नहीं पाया। आप कैसे सोचते हैं अभी तक आपने इरफान भाई के होते ना इनसे कोई कलाम की कुछ कहा है ना कुछ, अरे वाह वाह क्या बात है, थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए फिर हम कलाम सुनते हैं। अच्छा एक और मसला, क्या बात है, नया पढ़ने वाला बहुत अच्छे अच्छे अभी बच्चे में देख रहा हूँ कि खूबसूरत आवाज है माशाल्लाह, लेकिन गरीब घरानों से ताल्लुक है, मुझे वो 10,000 रुपए फी नोहा नहीं दे सकते, अपनी मोटरसाइकिल बेचते हैं, कोरस करने वाले को 50,000 नहीं दे सकते, अपनी अम्मी के जेवर बेचते हैं, इस इन मुसीबत खुदा गवाह आज यही बातें हो रही थी। मैं आपसे देखें निजात मिलेगी, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, आसान कब बिल्कुल एक प्रॉब्लम देखें, अब मैं बात करूंगा तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, होनी चाहिए नहीं बताएं ताकि पहुंचे बात वहां। देखिए शोहरत तो मेरी मेरे बाप से भी ज्यादा है, तो क्या मैं उनकी इज्जत करना छोड़ दूं, मेरी वालिदा से भी ज्यादा मेरी शोहरत है तो क्या मैं उनकी भी इज्जत करना छोड़ दूं, खानदान के तमाम तर बड़ों से ज्यादा शोहरत है मेरी, क्या मैं उन बुजुर्गों का एहतराम करना छोड़ दूं। देखिए बात पता है क्या है कि हमारे यहाँ मैार क्या बनाया हुआ है, व्यूज व्यूज मैार बनाया हुआ है, परवरदिगार ने आपको पता है निज़ाम क्या बनाया हुआ है। आज अमजद बल्तिस्तानी की सूरत में एक बच्चा आया, वाह, उसने कलाम पढ़ा जानम फिदाए हैदरी या अली या अली या अली, 150 मिलियन प्लस व्यूज हैं उसके। तो अगर क्राइटेरिया
व्यूज है तो तशय्यो में इससे ज्यादा मशहूर आदमी कोई भी नहीं है और इससे बड़ा आदमी भी कोई नहीं है बेशक, क्योंकि इससे ज्यादा व्यूज किसी के है ही नहीं। और अगर सीनियरिटी को देखा जाए तो नदीम सरवर साहब उनसे भी पहले जिया भाई। सही। आपको ये भी बताऊं जिया भाई मेरे मामू भी हैं रिश्ते में। क्या बात। अली जिया रिज़वी साहब बेहतरीन इंसान, अल्लाह उनको सलामत रखे। देखिए इंसान होना बहुत बड़ा, अभी उनके बेटे जवान बेटे के देते उनके हौसले को सलाम, उनके हौसले को सलाम करता हूँ। मैं जो है कंडोलेंस देता हूँ, मैंने फ़ोन भी किया था अपने मामा को, इंशाल्लाह अमेरिका अगर हाजिरी होगी इंशाल्लाह तो ज़रूर मैं अपने मामा के पास जाऊँगा उस बच्चे की जो है मफ़रत के लिए एक बार मिलकर बाबा जबलन सलावात भेज मोहम्मद परवरदिगार ज़िया भाई को जो है वो। अच्छा, उनका भी शुमार उसी तबके से होता है जो आगे बढ़ाते हैं मोहब्बत। देखिए कितना बड़ा आदमी सर, मैं तारीफ मैं गया तो दिल बड़ा हो जाता। मैं वल्ला आपको बताऊं, मैं अटलांटा गया, देखें मामू होना एक और बात है, मैंने बहुत अरसे बाद जाना है कि वो मेरे मामू है, मैंने उनको देखा कि एक बहुत बड़ा कदावर नौकान जिसको जिनका मैं फैन हूँ, उनको मैंने देख के सीखा है। उनका नाम दिव्रा सरवर है, नदीम रजा सरवर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा कि हमने इनको देख के सीखा, इनकी जूतियां सीधी की। और एक वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मौजूद है, जब जिया भाई ने सरवर साहब के साथ कलाम पढ़ा लाइव, तो सरवर साहब ने उनके कदमों को अपने उनके घुटनों को हाथ लगाए, एहतराम दिया है। मैंने आपसे कहा ना, तो जिया भाई तो मेरे वो मेरे मामू है, ठीक है मुझे ये बात। लेकिन बाद में अब जब मैंने देखा इतना बड़ा आदमी पहाड़ दुमा शख्सियत रख के सामने बैठा है, इतना शफीक इंसान। मैं वहां अटलांटा गया, मैं पढ़ रहा था तो वो उठे, उन्होंने टिश्यू निकाल के दिया मुझे कि लो तुम्हें पसीना आ रहा है। परवरदिगार इस हौसले को सलाम है। अल्लाह मैं कहता हूँ किस कदर ये लोग हैं जिन्होंने तशय्यो के चेहरे को निखारा है। मैं वल्ला मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि कौन जो है, हमें ये बताना है कि हम कौन है, सादात का क्या अमल होना चाहिए, हमें ये बताना है। हम सुन्नत रसूल पर अमल करने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टम, अब मैं इरफान हैदर हूँ ये बहुत बुरा है। मैं वल्ला मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मुझे शोहरत भी मिल रही है, इज्जत भी मिल रही है, दौलत भी मिल रही है, तमाम तरीके के रिस्क मिल रहे हैं। ये जो मातमी मेरे साथ खड़े होकर मातम कर रहा होता है ना, इसका अजर भी जहरा सलामुल्लाह अलैहा से उसको मिलता है। वाह, मुझे नहीं, देखें निगाह जहरा में मोतबर हैं तमाम शायर, तमाम जाकिर, जो खुद को समझा किसी से बढ़कर जवाब देना पड़ेगा एक दिन। क्या बात। तो बात ये कि पता नहीं सबसे कौन? बड़ा एजाज तो यही है कि मौला के जाकिर हैं, उन्होंने कबूल किया हुआ है हमें मिंबर। मैं कहता हूँ बारगाह बीबी ज़हरा सलामुल्लाह में कौन मोतबर है, ये है कमाल। वाह, ये कमाल है। वरना एक परवरदिगार ने मिसाल बना दिया है उस बच्चे को जिसका नाम अबजद बिल्तिस्तानी है, मिसाल बना दिया। अगर भी उस पर आप छोटे और बड़े को या शोहरत को काउंट करते तो उससे ज्यादा, इसका मतलब शियों में इससे शोहरत याफ्ता और इससे मैच्योर आदमी कोई भी नहीं है, क्योंकि 150 मिलियन प्लस व्यूज हैं उसके। आप देख सकते हैं जितने भी लोग इंटरव्यू देख रहे हैं वो अपना मोबाइल उठाएं, अमजद बल्तिस्तानी जानम फिदायदरी लिखें और देख लें। किसी भी कलाम के आज तक मैंने तशय्यो में इतने व्यूज नहीं देखे। सही। तो सबसे बड़ा आदमी तो वो हो गया ना फिर, तो कहाँ गए वो अली ज़िया रिज़वी साहब, कहाँ गए वो सच्चे साहब, कहाँ गए वो आफाक भाई, कहाँ गए वो नाजिम भाई। देखिए बुजुर्गों का एहतराम वो एक अपना वाजिब है। देखें मैंने फिर कहा, मानोगे तो माने जाओ, हम अपने बड़ों की इज्जत करना चाहिए। लेकिन अच्छा, मेरा सवाल वही है, जाहिर है कि वो दूसरी तरफ रुख चला गया कि हम ये जो बच्चे आ रहे हैं, अगर किसी के पास फन है, मौला ने अता किया है, तो ऐसा कोई इदारा है जो उसकी कैसेट में उसकी मदद करे, उसको अपनी मोटरसाइकिल ना बेचनी पड़े, उसके माँ का जेवर बचा रहे, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके सवाब के लिए कोई ऐसा इदारा है? इरफान आज़ा ने कोई स्टूडियो बनाया ऐसा? नहीं बनाया नहीं, लेकिन ऐसे लड़कों को करते हैं काम, फ्री काम हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमने देखें अभी माशाल्लाह बदफले मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैंने ओडियस में भी बहुत काम किया, अशफाक भाई के साथ शादाब स्टूडियो में बहुत काम किया, ठीक है, फिर उन्होंने शान स्टूडियो कर लिया, शादाब से शान कर लिया, मैंने साउंड मास्टर में भी काम किया और उसके बाद उन्होंने शान स्टूडियो कर लिया अशफाक भाई ने, कमाल आदमी। फिर उसके बाद ये ओडियस में भी मैंने बहुत सारा काम किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करने वाले ओडीएस वाले भी, कुरैशी साहब और उनके बच्चे बहुत अच्छा काम करने वाले। लेकिन अभी मैं फिलहाल हम मीसम जैदी का नाम सुना होगा आपने, लावा स्टूडियो, जी हाँ, मौला उसे नजर बस से बचाए, कम उम्र में उसने बेपनाह तरक्की
और बहुत स्टूडियो है, 110 है, ये लावा है, बहुत सारे स्टूडियो, लेकिन हमने क्या किया हमारे कनाडा में, हमने क्या किया, हाँ बिल्कुल हैदर स्टूडियो है नवेद, जिसमें माशाल्लाह नवेद के जेर साया। अब देखिए मसला क्या है, हमने काम ये किया हुआ है, मीसम भी चैरिटी कर रहा है, ठीक है ना, हमने ये हमने उसको अपनी टीम में शामिल किया, उसका पर्सन जो काम है वो तो है ही, लावा स्टूडियो से काम चैरिटी कर रहा है। तो स्टूडियो में किसी मेरिट वाले को आज तक फ्री में रिकॉर्डिंग की बहुत दफा है, बहुत दफा, बल्कि मैं इसमें ये कह रहा हूं, बहुत दफा काम किया, साल में कई ऐसे कलाम होते हैं जो हैदर टीवी स्पॉन्सर करता है फ्री में पढ़ने वालों के, जो कि बिल्कुल गरीब फैमिली से हैं, जिनका कोई नहीं है, वो ऐसी रेंडम है, बहुत सारे काम जो है ना जो है वो कर रहे हैं लोग, लेकिन क्या है, अच्छा चैरिटी की बात हुई और क्या, इरफान आजा के जेर एहतमाम कुछ और भी काम हो रहे हैं, और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं इस नवाखानी और उसके फरोग के अलावा। देखिए पूरी दुनिया इसमें अजादारों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं हम लोग, ज़ियारतें वगैरह उसमें, समझ रहे हैं, अभी इसको हम इंशाल्लाह आगे लेके जाकर इसमें हम ज़ियारत का भी चक्कर, हमने नादेली ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से कारवान भी लॉन्च किया था, सही, इरफान अज़ा के ज़ेर साया नादेली ट्रैवल एंड टूर्स का काम किया था, हम एक कारवान लेकर भी गए ईरान और बहुत कामयाब ट्रिप किया हमने, और इंशाल्लाह आगे भी इस किस्म के बहुत सारे काम करेंगे, यानी स्टूडियो भी बना लेंगे, उसमें रिकॉर्डिस्ट भी बिठाएंगे, कोशिश करेंगे कि हुसैनियों को और अजादारी के फरोग में आसानी, जो आसान, देखें जो धूप हमने अपने सर पर झेली है ना, हम नहीं चाहते वो हमारी हमारी नई नस्ल को, हाँ हम नहीं चाहते, और आप पूछ सकते हैं किसी भी अपने सेहत के नौखान से कि मेरा क्या उनके साथ अमल है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मेरे सेहत के जितने भी नौखान हैं, मुझे, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, देखिए हमारे सीनियर्स ने खुदा करे सब इसी तरह काम करें जैसे हम अपने जूनियर्स के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए वो सब नहीं किया गया, नहीं हुआ, हमने बड़ी धूप देखी है, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, सीनियर्स ने साथ नहीं दिया, नहीं, अब इससे अंदाजा कर लेंगे किस किस्म का साथ चाहते थे आप, जरा सी सपोर्ट कि हम ये गलत है इसको ठीक कर लो, अच्छा भाई गिरदान नहीं गर्दान है बेटा ये कर लो, नहीं उस पर मजाक उड़ रहा है, बता नहीं रहा है, पीठ पीछे मजाक उड़ रहा है, नहीं सामने भी हो रहा है माशाल्लाह, ऐसा कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ, गुर्बत थी, एक कोट मिल गया था पहनने के लिए, तो जहाँ भी जाते थे तो वो वही कोट पहन लेते थे, तो लोगों ने कह लगे फला शायर मैशर लखनवी साहब का कोट है जो ना, ये तो ये हर जगह, अब तो मजाक, वो तो तबरुकन दिया था, नहीं वो मजाक, यकीन माने मजाक उड़ाया लोगों ने। मैंने देखा कि सबसे ताल्लुकात रहते थे, ये किस तरह से होता है इसमें, तो इस फील्ड में तो जेलेसी, इस फील्ड में तो हसद, इस फील्ड में तो ये कि इसकी टांग खींचनी है, उसको साइड करना है, उस अंजुमन को बैन करवाना है। जफर भाई मैंने शुरू में आपसे क्या कहा, कोशिश करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को मासूमीन अलैहिस्सलाम के अकवाल की रोशनी में बसर किया जाए, शुरू में कहा ना मैंने, और इमाम फरमाते हैं कि ना तुम्हारा रिस्क छीन सकता है कोई और ना तुम्हें मौत दे सकता है, तो हक बात कहने में पीछे क्यों कर रहे हो रहे हो, इमाम फरमाते हैं जितनी हक बात जितनी देर से कहोगे ना उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हमें ये डर रहा ही नहीं है। कल आपके बच्चे ने मुझे सुनाया, बच्चे का अताबास माशाल्लाह किस कदर अच्छा उस बच्चे ने, यकीन माने मैंने तो आपको उस वक्त भी सलाम किया था, मैंने कहा परवरदिगार इस खानवादे पर सलामती हो कि कनाडा में आने के बावजूद भी और बहुत सारे काम हैं, यहाँ जाहिर है आप भी कोई बहुत खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, यहाँ पर बहुत स्ट्रगल करना है आपको, यहाँ पर जाहिर है जो लोग यहाँ के बहुत अच्छे रिहायशी हैं वो लोग भी बहुत मुश्किल से ज़िंदगी यहाँ गुजारते हैं, ये बहुत स्ट्रगल वाली यहाँ पर कब्र तक स्ट्रगल करना है, बिल्कुल, तो ये लेकिन यहाँ पर रह के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जिक्र से वाबस्ता रखा है आपने अपनी औलाद को, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। ज़ाहिर हम यही कहते हैं कि हैदर टीवी ने भी यही कोशिश की है कि यहाँ इन मुल्कों की मुश्किलात के बावजूद जोड़े रखना, आज़ादारी से जोड़े रखना, बहुत मुश्किल, विलाई हवालों से जोड़े रखना यूथ को, खुसूसन यहाँ की जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर जोर है, लेकिन उसके बावजूद हैदर टीवी के ज़रिए प्रोग्राम जो होते हैं यूथ के हवाले से वो भी ज़ाहिर देखे होंगे, तो
बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है इन मुल्कों में, औलाद को अपने अज़ाखानों से अगर मरबूत रखेंगे तो बचेगी, नहीं तो बेशक, गई। बेशक सर ऐसा ही गए। देखिए आजाद भाई, करबला मक्तल थोड़ी है, मकतब है, मकतब सही। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिये वहां पर कायनात का हर इल्म मिलेगा आपको, सारे रिश्ते मिलेंगे, हर रिश्ता मिलेगा। क्या बात है जफर, कायनात का हर इल्म, हर रिश्ता, सब रिश्ते कुर्बान हो गए अल्लाह सलामत। करबला में देखें माएं अपने बच्चों को बचाती हैं अगर किसी परेशानी में, सलाम आज कोई मसले खराब हो, हालात ठीक नहीं है, बाहर नहीं जाओ, एहतजाज हो रहा है, हड़ताल हो रही है, जलाओ गिरा हो रहे हैं, वहां तो भेजा है। मैं कह रहा हूँ अपनी उन सलाम करता हूँ करबला की माओं को जिन्होंने अपने बच्चों को हुसैन मालिक पर कुर्बान होने के लिए दूल्हा बना के भेजा, दूल्हा बना के भेजा। मैं सलाम करता हूं उन माओं को भी जिन्होंने अपने बच्चों को उंगली पकड़ के फर्शे वेला और फर्शे जैसे मुतवज्जे रखा। खुदा की कसम आज भी वही दौर है, बहुत मुश्किल दौर है। मेरा मौला जानता है कि आज इस दौर में हुसैन इब्ने अली अलैहि सलाम का परचम बुलंद करना अपने हथेली पर सर रखने के बराबर है। सलामत रहिए, बहुत मुश्किल दौर। शमा से शमा जले, क्या बात है। ये यूथ की बात हुई, अली मौला कैसे ख्याल आया दिल में, शमा से शमा जले। आप तो मेरा पसंदीदा कला अली वाला, अली वाला। अब ये एक आपने, और क्योंकि हमारे अनीस भाई की आंखों में जो है वो गुनूदगी सी आ रही है, तो अगर अब कलाम ना हो जाएंगे तो मैं चाहूंगा कि शमा से शमा जले, इसकी एक तो ये बताएं कि कैसे ख्याल आया और फिर सुनेंगे हम। भाई कलाम मेरा ज़्यादातर जो है ना इस्लाह माशरा के लिए भी मैं बहुत सारे जो है ना वो कलाम पढ़ता हूँ, आपने देखा होगा, चलो चलो के जहाँ फर्श अज़ा ले जाए, शमा से शमा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या न रहे, रहे सलामत इश्क़ हुसैनी रंगे वफा दे, वरना कौन किसी की खातिर अपना खून बहाता है। तो ये सिस्टम जो है वो जो है वो शामिल हाल रहा। और रजा शाह एक अच्छे कंपोजर हैं, मेरे मामूजाद भाई भी हैं, वो आरिफ दादू साहब का नाम सुना होगा, किसने नहीं सुना, अगर शिया है तो जानता होगा। उनके भतीजे और आरिफ रजा जो हैं, आरिफ दादू मेरे मामू हैं, वो भी मेरे मामू हैं। तो उन्होंने, मैं उनके घर बैठा हुआ था तो उन्होंने, कितने मामू हैं दुनिया भर में, जीते रहिए जफर भाई, क्या बात है सर। और माशाल्लाह सब के सब इसी दर से वाबस्ता मिलेंगे आपको, माशाल्लाह सब इसी दर से वाबस्ता मिलेंगे। तो रजा शाह साहब ने मुझे ये स्थाई ये लाइन सुनाई कि यार शमा से शमा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे या जदारी रहे, कैसा है। मैंने कहा यार कमाल है ये तो। अच्छा लिखा नहीं गया था उस, नहीं लिखा नहीं गया था, क्या इसकी कंपोजिंग की ही, इसका आइडिया तैयार हुआ कि भाई इसको किस तरह से, इसमें शमा थे शमा जले सच्चे भाई से शुरू किया, साहिब जुल्फ़िकार अल मदद है, फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं वो नाजिम साहब का इंट्रो जो था टाइटल अंजुमन का वो पढ़ा गया, फिर जिया भाई हो गया मरना से तम अब्बास का करते माता मरम अब्बास का, इस तरह करते करते ए आज़ादार हुसैनी चलन जिंदा रहे, नदीम सरवर साहब का कला, तो फिर वो शमा थे शमा जलती आई ना, उस दौर से दौर में आपने देखा होगा ये कलाम जब स्टार्ट किया, तो फिर उसको फिर कंपाइल किया, फिर मजहर भाई के साथ मिलकर हमने इसको लिखा है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया इस कलाम को करने में। और इसमें रजा शाह साहब ने जो है वो मुझे इसके अस्थाई और सानी उनका फिर अंतरा और जो उसका लिखाना लिखाना उसको कंपाइल करना कैसे करना है क्या करना है वो फिर सब हमने फिर खुद किया। देखिए ये टीम वर्क होता है, सही बात। कोई आदमी भी खुद से, मैं कहूँ अगर मैं कहूँ कि सारे काम मैंने किए मैं चैंपियन हूँ, नहीं, इसके पीछे बहुत सारे, मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, ये जो मेरी टीम है इरफान अज़ा, मैं कहता हूँ तुम मेरी लाइट्स हो, मैं वो तस्वीर हूँ जिसे चमकना चाहिए, लेकिन तुम जलोगे तो मैं चमकूंगा। लेकिन उसके लिए ट्रांसफार्मर भी अच्छा होना चाहिए, अल्लाह सलाम, क्या बात है, मोहब्बतों के रिश्ते हैं सरकार। देखिए मेरी टीम में माशाल्लाह असद हैं, सनी हैं, इशरत भाई हैं, आतिफ रिजवी हैं और बाकर हैं, बहुत सारे अच्छे माशाल्लाह, मैं जिनका नाम नहीं ले सका हूं उनसे मैं माजरत कहूँ, बहुत अच्छी मेरी टीम है, परवरदिगार इन सबको रजा है, और मेरी टीम बहुत अच्छी, परवरदिगार इन सबको सलामत रखे। और एक अच्छा मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, ये इशरत भाई हुए, शमसी भाई हुए, ये लोग तो साए की तरह साथ, परवरदिगार इन सबको सलामत, इनका साया सलामत रहे, इलाहिया इलाहिया, मीन शमसी साहब है परवरदिगार, मैं बहुत सारे मामला उनसे डिस्कस करता हूँ। देखिए मैंने कलाम किया था, बहुत मोहब्बत वाले बेपना मोहब्बत कह, लेकिन इरफान मैं नहीं चाह सकता, मैं नहीं सुन सकता हूँ कि कोई तुम्हें अगर बुरा कहे, मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई बुरा कहे, अल्लाह हो, तो मैंने कहा ठीक है शमसी भाई, अब उनकी इस बात का मेरे पास कम से कम ये है कि मैंने कहा ठीक है कलाम ही नहीं करते, क्योंकि जब अच्छा करने वालों के साथ भी ये हो रहा है जो सभी उल्टा सीधा नहीं कर रहे हैं,
सब अपने आप देखें, कोई दौर के हिसाब से काम, मैं किसी को भी बुरा नहीं कहता, सही, जो जैसे काम कर रहा है क्या कर रहा है, मैंने कहा पहरहन कोई भी हो, अंदर क्या मिल रहा है तुम्हें, बेशक बेशक, क्या एक अजादार जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुझे हैरत है कि बुरा क्यों लग रहा है मौला का जिक्र सुन के, नहीं मालूम मुझे, और हम अपनों को नीचे क्यों कर रहे हैं, जैसे भी है उसको डायरेक्ट पर्सनल कॉल करो अगर तुम्हें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, एक आदमी एक काम अच्छा, सबके लिए नहीं कर सकता, मसला एक और है ना कि भाई आपको अच्छी नहीं लग रही आप ना सुनो ना, उसने खत तो नहीं डाला आपको, हाँ उसने ये नहीं कहा कि भाई मुझे सुनो तुम, उसने आपको खत तो नहीं डाला कि मुझे जो अच्छा लग रहा है उसको सुन लो, उसको सुन लो, आपके पास तो रिमोट कंट्रोल है, करबला करबला हम जाते हैं करबला ईरान, आपने देखा है वहां पर किस तरह से काम हो रहा है, मनाकिब किस तरह से पूरा ऑर्केस्ट्रा यूज होता है, उन्होंने अपने उस पैगाम को सारी दुनिया में फैलाने के लिए कि दूसरे लोग भी सुने, तो दूसरे लोगों का जो जो समाज का उन्होंने मयार बनाया हुआ है उस मयार को भी मद्देनजर रखते हैं, मनाकिब में नहीं वहां जो आशूर के दिन और नोहे होते हैं उसमें हाथ चहलों के नोहे हो रहे हैं, पूरा वो पूरा सिस्टम है, अपने अपने इलाके के लिहाज से कर रहे हैं आजादारी, ठीक है मैं कहता हूँ सही है, मैं किसी को देखे जो जैसे कर रहा है मैं कहता हूँ करने दो यार, मौला का जिक्र कर रहे हैं ना, अगर गलत होगा तो इमाम उसको हिदायत देंगे, आप थोड़ी आपसे थोड़ी पूछेंगे इमाम के तूने क्यों नहीं रोका था, अगर गलत है तो इमाम उसको हिदायत देंगे, मौला का जिक्र कर रहा है ना, देखिए आहिस्ता 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 दौर जो है वो तब्दील होते होते यहाँ तक आते यहाँ तक आ गया, तो हमें चाहिए अच्छा, इंडिया जब मुसलमान आए उनके पास सिवाय इसके के कवालियां राइज करें फरोख के लिए कुछ भी नहीं था उनके पास, देखिए कवालियों से बहुत कुछ आपका प्रमोट हुआ, अच्छे हमारे यहाँ उसमें अश्काल है, लेकिन जाहिर है कि ये हकीकतें हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते, अब मैं आपसे क्या क्या बयान फरमाऊं कि देखिए नोहा मैंने अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं इन मामलों में ना, इस अदाई हल्के में मैंने सबको यही कहा कि देखो अगर किसी नौआ खान की किसी जाकिर की किसी आलिम की कोई बात तो मैं अगर नागवार भी गुजरे तो ना मिंबर पे ना मजमे में ना सोशल मीडिया पे उसको पर्सनल जाके 10,000 लोग हैं आप उनको पर्सनल जाके नहीं, यहाँ एक और चीज है लोग मैंने देखा है कि जाती खुंदके भी निकाल रहे होते हैं इसकी आड़ में, ये भी एक सब्जेक्ट है, खैर बहरहाल हम चलते हैं शमा से शमा जले, क्या बात हजरत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर बाबा जबरन सलावत अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, शमा से शमा जले सिलसिला जारी रहे, क्या बात हम रहे न रहे ये आजादारी रहे, अरे मारा अपनी नस्लों को सिखाते रहो मातम का हुनर, सीना मरसी न करे बस ये आजादारी सफर, जैसे हालात भी हो रस्म ये जारी रहे, हम रहे न रहे ये आजादारी रहे, क्या अच्छा, कभी कोई ऐसा मरहला आया कि कोई कलाम कोई नोहा कोई मनकबत कुछ तैयार कर रहे हो और फंस गए हो कहीं ना हो रही हो बड़े मुश्किल पेश आ रही हो, नहीं ये नहीं, भी नहीं, नहीं ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, कर रहा हूँ मालिक को सारे बने, यही वो बात है जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर प्रॉपर है सिस्टम तो कभी आपको दुश्वारी नहीं होगी, तो ये कभी नहीं हुआ करम आले मोहम्मद अली मुस्तफा, ऐसा कोई कलाम जो आप समझते हो कि मेरे अलावा कोई वैसा अदा नहीं कर सकता जो मैंने कर दिया, अरे जफर कुछ ऐसा तैयार, वाह वाह वाह, सिर्फ तो जाफर साहब का जो मशहूर हुआ था कलाम उसके एक दो शेर सुना दे तो यकीनन जो है वो अगले महीने उनकी बरसी भी आ रही है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा ये कलाम, मैंने 1992 में कैसेट में पढ़ा था, अपने मेरे लिए लिखा था सिप्ते जाफर साहब ने कलाम,
और इसकी ट्यून जो है वो मैंने और तो ये बात तो पूछ भी नहीं सकते ना जाके, जाहिर है। हाँ नहीं वल्ला, इसकी तस्दीक 1992 में मैंने पढ़ा है तो अब तस्दीक मैं ही कर सकता हूँ जी हाँ। तो और उन्होंने और मैंने मिलके इसको कंपोज किया था तो वो कुछ इस तरह से था कि जय खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जिंदगी बन जिंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई जिसका मौला था मैं उसका मौला ली, जब नबी ने कहा दीन कामिल हुआ, मरहबा मुस्तफा रब गाजी हुआ, वो जो आना थी आयत वही आ गई। एक शेर उन्हीं के अंदाज उनका अंदाज, बहुत सारे लोगों ने उनका अंदाज पढ़ा है, पता नहीं मैं चाहूंगा कि मुझसे अपने अंदाज ठीक से नहीं पढ़ा जा रहा है उनका अंदाज। सिप्त जाफर साहब के बहुत ज्यादा करीब रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ पहली बार किसी इंटरव्यू में, तो मैं बहुत सारे लोगों ने उनको जो है वो ट्रिब्यूट किया, मैं भी कोशिश करता हूँ, वो आवाज आज भी मेरे कानों में एक अंतरा इसका मैं आपको बोलता हूँ। गुस्ल मैत न कहना मेरे, गुस्ल को जल मलबूस को मत कफन ना दो, मैं चला अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू आ गई। तो ये उनका अंदाज था पढ़ने का, अपना पसंदीदा कलाम जिस पे फख्र हो कि मैंने इससे बेहतर शाहकार मनकबत या नोहा नहीं बनाया, वो इंशाल्लाह पहले मेरे लिए लिखेंगे बाद में पढ़ेंगे। कलाम तो जो भी मालिक ने मेरे उसके लिए फिर ज़ुहूर इमाम ज़माना का इंतजार कर देखिए, मालिक जो भी झोली में डालते हैं वो वहां से आता है कुल होती है जी हाँ। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने ये कलाम अच्छा पढ़ा, ये कलाम अच्छा नहीं पढ़ा, ये कलाम ज्यादा, लेकिन ये होता है ना कि मैंने जो एक कलाम है इससे बेहतर नहीं लिखा, कलाम मैंने पढ़ा इससे बेहतर, एक कलाम जो मेरी वजह शनाख्त बना, जो मेरी पहचान बना। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद, मुश्किल वक्त में हमारी दादी जनाब फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इस्म के विर्द से बड़ा अगर कोई और अमल होता तो हमारे जद हमें तालीम देकर जाते, तो वो पाक शहजादी जनाब फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह कि जिसने मुझे चुना इस काम के लिए, उसी बीबी ने अपना साया रहमत मेरे सर पर रखा और अपने नाम से मुझे सारी दुनिया में जो है वो शोहरत बख्शी, ये कम फजीलत है। मैं करोड़ों सजदे इसी बात पर करूँ तो कम है कि मालिका ने जनाब फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने नाम को मेरे लिए वजह शोहरत बनाया या जहरा के नाम से, तो वो कलाम मैं इंशाअल्लाह। मेरी बीबी, मेरी बीबी तेरे दर पे इस्तेगासा है, तेरा ममनून मेरी शहजादी ये जहां सारा है या जहरा, मैं कोशिश में गुजारिश करूंगा कि आप भी सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें, फर्श मजलिस पे मुसल्ले पर हर जवां कहे
रहा है रो रो कर, हम रहे ना रहे मगर बीबी ता कयामत रहे गमे सर या जहरा ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी बीबी तेरे बच्चों का गम मनाते हैं अपनी औलाद से कहीं बढ़ के रंग प्यारा है या जहरा या जहरा। सलामत रहिए। जफर भाई आपने देखा होगा कि ऐ मेरी बीबी तेरे बच्चों का गम मनाते हैं अपनी औलाद से कहीं बढ़कर गम ये प्यारा है। मालिक ने सालों बाद सही, लेकिन वो दिन ज़रूर आया कि गवाह मोमिनीन कराम इतना मोतबर गवाह मेरे पास मौजूद है कि जब आप कोई कलाम करते हैं तो जब उसको अमली जामे पहनाने का वक्त आता है ना तो आदमी थोड़ा पीछे हो जाता है। जफर भाई गवाह हैं, जब मेरा नादे अली इस दुनिया में आया है तो मैं कहाँ था, हम साथ थे। मैंने 18 दिन बाद अपनी पहली औलाद को देखा था तो मैंने कहा बीबी तेरा ही दिया हुआ है ये सब कुछ और तू नहीं संभालना, अल्लाह ऐसे और भी बड़ा मुश्किल वक्त है इलाही आमीन, बड़ा मुश्किल वक्त होता है लेकिन जाहिर है इमाम फरमाते हैं कि तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो जबकि होता वो है जो हम चाहते हैं। अगर तुम वो करो जो हम चाहते हैं तो हो, बड़ा एहसान है। मैंने कहा ना अपनी जिंदगी को हम कोशिश करते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के अकवाल की रोशनी में जो है ना गुजारें तो कामयाबी मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूर मिलती है। अच्छा नोहे सब पढ़ते हैं, मनकबते सब पढ़ते हैं, कोशिश भी करते हैं, पढ़ने में कामयाब भी होते हैं, क्या कहते हैं उसके लिए बुनियादी चीज़ें क्या होनी चाहिए? सबसे पहले देखिए अताए बीबी जहरा सलाम अल्लाह अलैहा, चुनाव तो सबसे पहला जमाने के इमाम के दस्तखत होते हैं, आपकी मेहनत, आपकी लगन, खुलूस नियत, इन चीज़ों का देखें। मेहनत बहुत ज़रूरी है, नियत का साफ होना बहुत जरूरी है। मेहनत क्या, सफ़ीर आज़ा की कैसेट सुने, इरफान आज़ा की कैसेट सुने, क्या करें, मेहनत कौन सी? मेहनत करनी है, जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अगर ये भी कर रहे हैं तो कॉपी करना मेहनत है या कुछ और? मेहनत तो मेहनत तो है, कह रहे हैं कॉपी नहीं। देखें हमने भी ऐसा किया, मैंने जब अंजुमन कारवानेजा में जब मैं आया था तो पहला नोहा मैंने सरवर साहब का पढ़ा था, मुझ पे क्यों बन करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यार नहीं हूं। जब ये कलाम आया था तो मैंने सच्चे साहब का कलाम पढ़ा, जालिम अभी खंजर ना चला, और नदीम सरवर साहब का कलाम पढ़ा, मुझ पे क्यों बन करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। हसन सादिक साहब और फराह खानम उनके साथ पढ़ा करते थे पंजाबी, पंजाबी नो है तो हसन सादिक साहब का करबला वालों के जिंदा से राय हो गई, सियाने ही ये मातम करते रहे हैं सारे, और ना पैंदे पैण शराफत नू जंजीरा विच सरामा विच, जो जो फराह खानम के कलाम थे, पहले पढ़ा है दूसरों को फिर ज्ञान पैदा हुआ कि हाँ यार इस तरह से देखें। कोई बुरी बात नहीं है कि अगर किसी को पढ़ना है, मेहनत तो मेहनत है, अपना कलाम पढ़ो या किसी का भी कलाम पढ़ो, ठीक पढ़ना है। जैसे अच्छा किसी का कलाम पढ़ने में आसानी ये पैदा हो जाती है कि आपके पास एक मेयार होता है कि इसने ऐसे पढ़ा है और ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। तो किसी का कलाम पढ़ने के लिए अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि पढ़ना चाहिए किसी का कलाम और फिर अपना कलाम। नहीं, हमारे बहुत सारे लोग हम समेत कहते हैं सवाब के लिए पढ़ना चाहिए, सवाब तो है, वो तो मिलना ही है, मिलेगा तो, यहाँ भी मिलेगा तो, वहाँ भी मिलेगा। तो हम सजा के पढ़ें या सवाब की खातिर पढ़ें, जैसे पढ़ रहे हैं ठीक है, या उसमें मेहनत करें, सजा के पढ़ें अपने सारे काम, सजा उसके लिए क्या करें? लेकिन हम अपने सारे काम सजा के करते हैं लेकिन जब इमाम का काम आता है ना तो फौरन हम वो बन जाते हैं, जैसे अभी आपने कहा था कि हम घर में तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फर्शदा पे आते ही जो है ना मुफ्ती बन जाते हैं। मुझे इस बात पे आपने बड़ी खूबसूरत बात की, ज़फर भाई आपने भी, अली इरफान साहब ने किसी एक शायर को ये कहा, एक साहब ने कहा कि नहीं मैं तो अपने बस जो दिल में आता है वो कर देता हूँ, मुझे नहीं पता कि बहर के सही है नहीं है। तो अली इरफान साहब ने उस पर कहा, जो मरसे को शायर है लंदन ओंटारियो, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, आप
अपनी बात जो कर रहे हैं वो तो आप खुलूस और ये सब कर रहे हैं, जब इमाम का जिक्र कर रहे हैं इमाम का जिक्र कर रहे हैं और सजा के खूबसूरत शेर कर रहे हैं। क्या तरीका? मसला ये होता है कि हम अभी हम सीख नहीं रहे होते और उल्टा सीधा हम लिख के, हमारा भी इब्तदा यही है कि हम ले जाते थे और पढ़ते थे और यानी ये नहीं कोशिश करते थे इसे सही कर लें। अगर कोई तनकीद कर रहा है तो उसे ही हम समझते थे ये जाहिल है, हम सबसे अच्छा लिख रहे हैं। तो हम जाहिर है कि बेउस्तादा तो किसी फन में नहीं 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 कभी होता नहीं है, कभी नहीं होगा, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो अगर हम ये कहें जी मैंने किसी से नहीं सीखा, नहीं नहीं बुरी बात, मुझे तो अल्लाह ने अता किया, दुनिया में सीखना नहीं, गॉड गिफ्टेड है, हमने हमें अता किया है, उसकी रदीफ काफी है। सीखना ये थोड़ी है कि जी मौला अता कर रहे हैं, जी मैं लिख रहा हूँ और जैसा भी है ये मौला कबूल करें, क्यों नहीं? बुरी बात है, ऐसी बात नहीं है, तुम बेतरतीब चीजें कबूल नहीं करते मौला कैसे करेंगे? सच बात है, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब चीजें करना। अनीस मीर अनीस साहब ने, मिर्जा दबीर साहब ने जो अपने भर दिए जो है, मैं समझता हूँ कि उनकी जी आप उनकी जिंदगी के मैं समझता हूँ मिनट नहीं होंगे इतने जितने उन्होंने शेयर किए। मासूमीन के अता के बगैर मुकम्मल है ये हो सकता है क्या? ये मुमकिन है? कभी नहीं है मासूमीन के अता के बगैर। अब देखें उनकी लगन, लेकिन उसके बावजूद उनके असातिज़ा का जिक्र है तारीखों में, सबके उनके असातिज़ा का जिक्र है। जितने भी लोग हमारे यहाँ सीख नहीं रहा और सीखने को ऐप समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि यार बताओ मैं क्यों सीखूं, मेरे अब्बा तो इतना अमीर आदमी है। मसला यही है, मैंने एक साहब से यही कहा, मैंने कहा बजाय इसके कि आप हजारों की तादाद में लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हो, आप एक आदमी के साथ बैठ जाएं, जानने वाले के साथ, बहुत अच्छी बात है, ताकि आप सजा के लेके आए। तो ये क्यों नहीं हो रहा? ये हो ही नहीं रहा, क्यों? देखिए बात, फिर सोशल मीडिया, जल्दी में हर आदमी जल्दी में। देखिए जो मैंने अच्छा पहले सुना है कि ये जो सीखते थे ये सब चीजें वो गंजे हो जाते थे कि बाहर निकलेंगे नहीं, ये वाली शक्ल अभी किसी को दिखानी नहीं जब तक सीख नहीं लेते। कई लोगों से हमने सुना कि जी हम तो ये काम कर लेते हैं ताकि बाहर ही ना निकले और सीख के निकले, जब नहीं नहीं बुरी तो सीखना भी तो। लेकिन जफर भाई इसमें क्या असाध्यता की भी कोई आप समझते हैं इसमें? यानी क्योंकि जाहिर है हर आदमी अपनी तदलील से डरता है ना, मैं अपनी कैफियत बता रहा हूँ कि मैं शुरू में जब मैंने ये बात आबिद जाफरी साहब से सुनी जो बहुत सीनियर शायर हैं, उन्होंने कहा एक महफिल से बाहर निकल रहे थे हम किसी और उन्होंने ये बात कही कि अनीस मसला ये है कि हमारे पास तो अब इस दौर में कोई असाध्या ऐसे है ही नहीं जिनको हम अपना कलाम दिखाएं, वरना हम कलाम दिखाए बगैर पढ़ ही नहीं सकते। एक और मसला भी है, जिसे दिखा रहे होते हैं वो अगर बैठा हुआ भी हो तो वो इशारे कर रहा होता है ये मेरा ही चलना है काम। देखिए ये मैंने सर तो वो तस्ली की वजह से डरता है आदमी, तो ये असाध्या की इसमें मिस्टेक है ना कि अगर उनके पास कोई जा रहा है तो आप उसकी इज्जत का पास रखें। अच्छा सीखने की कोशिश कर रहा है, सोर्स है कि जैसे अब अफ्रीका में कोई जानने वाला है ही नहीं, किसी बच्चे को शौक है वो क्या करे, कोई ऐसी सोर्स है सीखने की? सोशल मीडिया तो सरकार, ये तो कमाल है, तंजानिया में मोहम्मद अली मुशी है बच्चा, बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, जानता ना मौलाना साल साहब का बेटा है, बहुत अच्छा। अब तो ये सोशल मीडिया के जो फवायद है वो सुन ले, देखिए कनेक्ट हो गए सब लोग एक दूसरे से, एक पेज पे आ गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। वही जो हमने मैंने आपसे फिर कहा जो इरफान ऐजा बनाने की वजह थी वो यही था, कनेक्ट करना है एक दूसरे को, दुनिया के तमाम शियान हदर करार को कनेक्ट करना है, कौन सी जगह कौन आदमी क्या काम कर रहा है। वाह। तो ये जो है ना एक दूसरे से जब कनेक्ट, देखे अभी एक मैंने बात बोली अभी वो यहीं तक मौजूद है, अभी जब मैं उसको इरफान अज़ा के पेज पर डालूंगा तो सारी दुनिया में आलम इस्लाम में पूरे आलम इस्लाम में फैल जाएगी। तो ये देखिए पॉजिटिव जो वर्क्स है ना वो हमें करने चाहिए, वो हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, हम अपनी तामीर के लिए काम कर रहे हैं जिसे मट्टी में मिल जाना है। ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे कि जो हमारी जिंदगी जो हमें जिंदा रखे, हमारे बाद भी मर तो जाना है, मैं वही तो कह रहा हूँ, जिंदा रहने के लिए हमें काम करना है। देखे वो काम जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इमाम फरमाते हैं जो तुम खाते हो उसमें बदबू है, जो खाना तुम खाते हो उसका अंजाम बदबू है, सही, जो खाना तुम दूसरों को खिलाते हो वो खुशबू है। क्या बात है, आप समझ रहे? तो वो काम करना चाहिए कि जिससे हमारी जिंदगी, हमें जिंदगी मिले। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने नई नस्ल की सूरत में, नई नस्ल की, देखिए वो है ना रमे हुसैन नई नस्ल के सुपुर्द करो। तो ये उसकी वजह क्या है कि हम हर वक्त थोड़ी रहेंगे, आगे जो लोग आ रहे हैं उनको सही राह दिखाना हम पर। देखें जिस तरह पैसे के कमाने का हिसाब नहीं लेगा वो, खर्च करने का, वो पूछेगा खर्च कहाँ किया, मैंने तुझे इसलिए दिया था, तूने ये काम क्यों नहीं किया। हर फन का काम, देखिए फन आपको मालिक ने अता किया, मुझे
ये फ़न अता किया है कि मैं आपको दूँ, मैं अपने नई नस्ल को दूँ। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो वल्ला रोज़े महशर मेरा दामन पकड़ा जाएगा और मुझसे सवाल होगा कि हमने तुझे ये काम इसलिए दिया था, तुझे शोहरत मिल गई, इसे आगे बढ़ाना, कि तू इसे आगे बढ़ा। और फिर कहा इमाम ने कि इल्म बांटने से बढ़ता है, बढ़ता है, सारी बातें हमें मालूम है फिर भी हम नहीं करते। जो खर्च करने से घटती है उसके पीछे हम जा रहे हैं, जो बढ़ती है खर्च करने से बढ़ता है। देखिए भाई, रोके खुद जफर भाई माजरा चाहता हूँ, आगा साहब ने अभी खुद फरमाया था थोड़ी देर पहले कि इन्होंने खुद जो है दूसरों को सुना और दूसरों के पढ़े हुए कलाम पढ़े जी, तो हमारी नई नस्ल मतलब ये काम क्यों नहीं कर सकती इस तरीके से, क्यों मतलब वो कहीं आगे शुरू नहीं करते? क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। तो इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? क्या मैं अभी एक 14 या 12 साल के बच्चे को या 5-7 साल के बच्चे को एक बहुत बड़े शायर का कलाम ला के दूं और उससे कहूं बेटा इसको पढ़ो, अब उसके लिए तर्ज में आसान कहां से लेके आऊं? तो जो ऑलरेडी है बनी बनाई एक है उसे आप पहले, बेशक बच्चों को उनसे आप तरबियत दिला सकते हैं आगे चल के आराम आराम से। मतलब सवाल है कि अभी तक माशाल्लाह आपके खलक कई सौ नौहे होंगे और रजदारी के हवाले से, तो नौहखानी के अंदर कौन सा ऐसा काम है या कौन सा ऐसा यूँ कहा जाए कि माहौल है या राग है जिसके ऊपर आपने अब तक कलाम नहीं कहा है या आपके प्लानिंग में है? क्या अरे क्या बात है, इसलिए सवाल किया क्योंकि जाहिर है इतनी सारी चीज़ें सुन चुका हूँ मैं आपकी अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में कि वो मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं पूछूं कि अभी तक आपने जो कलाम पढ़े उसके अंदर बहुत सारे कौन सी सी चीजें नहीं, बहुत सारे काम है जो अभी हमने नहीं किए। अच्छा, हाँ ये बहरे बेकरा हैं और सारी दुनिया के जो है वो सुनाया ना आपने, दरख्त जो है वो कलम बन जाए, सारी दुनिया के समंदर से आए बन जाए तब भी ये जिक्र उसका हक अदा नहीं होता। अभी बहुत हमने किया क्या है? अभी किसी एक वाकया पढ़ा मैंने, कैरेक्टर्स भूल गया मैं कि शायद मौलाना रूमी थे या न जाने कौन थे, जुनैद बगदादी थे, कौन थे, मैंने सुना कि वो कहने लगे कि यार समंदर के करीब ले गए, कहने लगे बता तुझे कितना इल्म आता है। तो उन्होंने दिखाया कि एक परिंदा आसमान से आया और उसने पानी पर से एक बूंद उठाई और वो लेके उड़ गया। कहने लगे जो मुझे आता है ना, वो जो परिंदे के मुंह में बूंद है ना, ये वो है और इल्म वो है जो ये तू देख रहा है समंदर। इमाम से भी किसी ने पूछा अल्लाह के मौला इल्म क्या है, इमाम ने कहा जो तुम नहीं जानते। क्या बात, यानी जो हम देखें, मैं मुझे नहीं मालूम था कि दीवार को वॉल कहते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि घड़ी को वॉच कहते हैं। जब मुझे पता चला तो मुझको अपनी जहालत का इदराक हुआ कि मैं, मुझे ये भी नहीं मालूम था। अब इल्म क्या है जो मुझे जानना है, तो वो तो अभी कितना जानना बाकी रह गया? अभी जानना शुरू किया है, अभी शुरू किया है, अभी तो शायद मैं सीख रहा हूँ कि जानते कैसे। चले, मैं चाहूंगा कि जो सीखा है उसमें से कुछ और अता हो जाए क्योंकि अब वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और जाहिर है कि हम अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने एक नात लिखी, वो मैं आपको जरा अलग सा एक सिस्टम है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, अपने दोस्तों को भी, और मैं चाहूंगा, मैं इंशाल्लाह कभी वक्त मिला भी तो इंशाल्लाह रिकॉर्ड भी कराऊंगा इसको इंशाल्लाह। हज़रत अहले बैत अलैहिम सलाम पर बाबा जबरन सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। गर्द बयाबान क्या बात, ताब रात सहर, गर्द बयाबान गाज़े रूह कमर दूध चरावाने अरा,
تابِ راتِ سحر گردِ بیابانِ کیا بات ذرا سنیے گا حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف پہ کٹی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان تابِ میرا تے سحر گرد بیابان کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو ادائیگی کی ہے انہوں نے کتنے پڑھنے والے ہیں جو اس طرح پڑھ سکتے ہیں مطلب بغیر کسی ایگزیجریشن کے بہت مشکل ہے کہ کوئی اس طرح ادائیگی کر سکے اچھا میں چاہوں گا کہ اگر وہ کسی اور کا بھی کلام ہوتا تو میں درخواست کرتا کب میں کہتا ہوں کہ دو شعر علی مولا کیونکہ بہت خوبصورت ادائیگی زبر بھائی مجھے بتاتے رہی کب میں کہتا ہوں کہ سلطان بنا دے مولا اپنے در کا مجھے دربان بہت عمدہ کلام یقین مانے میرے دل کو چھوا اس کلام میں بہت عمدہ لکھا آپ نے اس کی بڑی اچھی بندش بھی ہے کب میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے سلطان بنا دے اپنے در کا مجھے دربان بنا دے مولا کب میں کہتا ہوتا مجھے کو بنا لے حبشی کا لہجہ اور کردار کا سلمان بنا کب میں کہتا ہوں کہ شیر لگاؤ نعت لکھوں ابو طالب سے مجھے داد ملے یوں مجھے صاحب عرفان بنا دے مولا دعا
मैं कहता जफर भाई बहुत माजरत चाहता हूँ, इन्होंने जिक्र किया अनीस भाई ने कि ऑटोवा से यहाँ तक और फिर यहाँ से विंडसर से गए और वापस आए, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अंदाजा लगाया मैं कितने दिनों से भाई के साथ हूँ, खुदा गवाह है बस ये हुआ कि मैं जंगलों में नहीं गया हूँ वरना मैं वहां भी चला जाऊं, खुदा गवाह है। खुदा जो है आपको नजर बद से बचाए, इंशाल्लाह ताला इस गले में इस आवाज में इतनी गर्मी और पैदा हो, ये इंशाल्लाह सारे सातों पर्दे हटाते हुए इंशाल्लाह वहां पहुंचे जाए, इंशाल्लाह ताला आपकी नजर लगाए लगी हुई है। इम्तिहान लिया आपने जफर भाई, अभी मुझे यकीन माने मैं तो ये कलाम मेरे दिमाग में था और अचानक आपने कहा कि भाई सुनो, ये बड़ा इम्तिहान था जी, बस जो याद था मैंने कहा मैं चाहूंगा बस अब क्योंकि बहुत देर हो गई, आखिर मैं अपनी पसंद का कोई कलाम नजर सुनाता हूँ हैदर टीवी के देखने सुनने समझने वालों की। हैदर टीवी के लिए मैं बहुत दुआ गो हूँ, परवरदिगार इस टीवी को और मजीद तरक्की अता फरमाए, दवा मता फरमाए, और जितने भी रूह रवा हैं इस चैनल के हैदर टीवी के, परवरदिगार इन सबको दीनी और दुनियावी तमाम आसाइशों से मौलास्ता फरमाए, इनकी नेक जायज़ शरई हाजात को पूरा फरमा, कोई गम ना दे मेरा मौला सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के, और इस काम को करने में जो लोग सही कर रहे हैं मौला उनकी जो है और ज़्यादा पसे पर्दा मौला उनकी जो है ना जो है मदद फरमाए। मैं जो है मैं जिस तरह भी जो भी फरोग अज़ा के लिए काम करता है खुदा की कसम मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके लिए अपनी जान निछावर कर दूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद हुसैन इब्ने अली के जिक्र का प्रचार है। क्या अपनी वालदा के लिए चार मिसरे में पढ़ूंगा आखिर में, और मैं चाहूँगा कि इसी पर इख्तिताम भी हो। जिनकी माएँ सलामत हैं मैं दुआ करूँगा कि परवरदिगार उनको उनका साया उन पर कायम दायम रखे, और जिनकी माएँ और वालदैन जो इस दुनिया में नहीं है मौला उन्हें गरीब के रहमत फरमाए, आला लीन में जगह अता फरमाए। मेरी वालदा के लिए भी आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि मौला उनकी मगफरत फरमाए, उन्हें आला लीन जवारे मासूमीन अलैहिस्सलाम में मेरे वालदैन खुद जाकरत थीं, फिर जाकरीन की मां हैं अली मौला, अरे मौला सलामत रहिए। पेश कर रहा हूँ लब हिलाए तो अली नाम, क्या बात है, लिया है मैंने मां किया जो मेरे हाथों को, और मिली कुवत जुम्बिश जो मेरे हाथों को, गोद में मातम शबीर किया लब हिलाए तो अली नाम लिया है मैंने मां किया मैं वो जाम पिया है मैंने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं चाहूंगा आखिर में सिर्फ हैदर हैदर वाला कलाम जो है उसके बगैर हैदर हैदर भाई। अच्छा चले ठीक है मैं ये कलाम पढ़ता हूँ लेकिन आप सबने मिलकर मेरे साथ पढ़वाना है, सिर्फ वो नहीं
जो लोग देख रहे हैं, पसे कैमरा है, जो मंजर साहब सामने हैं और जो पसे मंजर देख रहे हैं, वो भी जो पसे मंजर है, सलामत रखे, परवरदिगार कोई गम न दे आप सबको सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के जफर भाई। क्या मौला, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मुझे नहीं लगता कि ये इंटरव्यू था, मुझे लगता है कि ये वो बातें थी कि जो हमारे दिलों की बातें हैं। बहुत एक बहुत अरसा हो गया था इस तरह साथ बैठे हुए सब लोगों को। इंशाल्लाह कभी फिर इंटरव्यू देंगे, मुख्तलिफ उमूर पर बातें करेंगे बहुत। तो आप सबके लिए पेश कर रहा हूँ, रजब चल रहा है और अमीर कायनात का तस्करण। बहुत अच्छा किया आपने ये पूरा ये जो ट्रिप है बिज़हरा सलाम अल्लाह के, मैं कुर्बान जाऊँ मेरी पाक शहज़ादी का, उनके खानवादे का सदका, कि बहुत ही उम्दा हर हवाले से बहुत अच्छा ये ट्रिप रहा, हर हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप रहा। परवरदिगार सलामत रखे तमाम नॉर्थ अमेरिका के ममनीन को जिन्होंने हर जगह मेरे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मेरा साथ दिया। मैं हैदर टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ और हसन नवाब साहब का जो कैलगरी के रूए रवाएँ, बाबुल आवाज इस्लामिक सेंटर के, परवरदिगार सबको सलामत रखे। जफर अब्बास जफर साहब आपका, नवेद जो है परवरदिगार उसको सलामत रखे, नवेद हैदर, नवेद जैदी परवरदिगार उस लड़के को सलामत रखे। अच्छा मौला का जाकिर है, अच्छा शायर भी है। हमारे अब्बास अकबरी साहब को मौला सलामत रखे, मंजर भाई को मौला सलामत रखे, हमारे अनीस भाई को मौला सलामत रखे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑन जो है यहाँ खड़े हैं मौला। मैं जब से आया हूँ ये मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके चल रहे हैं, परवरदिगार इनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। काबिल तारीफ़ हैं वो लोग जो पसे पर्दा हैदर टीवी के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें हमारे आतिफ अब्बासी साहब हैं एडिटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, और हमारे सिकंदर सलीम साहब हैं जो लाइव मैनेज करते हैं। मैं रहनुमाई ले रहा हूं अपने मंजर भाई से और अनीस भाई से कि जो लोग काम कर रहे हैं हैदर टीवी के लिए पसे पर्दा, जुल्फ़िकार हैं, परवरदिगार इन सब को सलामत रखे। जो भी शुएब जैदी हैं, सिकंदर आपने क्या नाम लिया, सिकंदर सलीम साहब जो काम कर रहे हैं, परवरदिगार इन सब को, मेरा मौला जैगम हैं जो भी काम कर रहे हैं, और ये जो आपके इश्तहार वगैरह बनाते हैं शुएब हैं, परवरदिगार इन सबको सलामत रखे, इनको और तरक्की उरूज व गलबा अता फरमाए, इनको तरक्की दवाम अता फरमाए मौला, इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अथर भाई हैं, परवरदिगार इन सबको सलामत रखे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अथर जाफरी भाई हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी हैदर टीवी के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, परवरदिगार इन सबको सलामत रखे। कोई गम न दे सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। मैं इरफान अज़ा आप सब के लिए दुआ गूँ हैदर टीवी की तरफ से। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद है मौला उनकी जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमाए। कोई गम न दे सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। जो भी औलादे उन्हें औलाद सालेह अता फरमा, जो मकरूज़ है मौला उनके कर्ज़ गैब से अदा हो, जो हज व ज़ियारात के मुतमन्नी है मौला उन्हें सो मुशर्रफ फरमाए। हाँ मिलकर सारे अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए तमाम अज़ादार जो भी ये चैनल देख रहे हैं, जो भी ये इंटरव्यू, जो भी ये जिक्र होते हुए देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें। आइए मिलकर पढ़ें, हैदर हैदर अव्वल आखिर हैदर, हैदर हैदर साकी कौसर हैदर, हैदर हैदर लंगर अर्ज़ समावी, हैदर हैदर फतह खैबर, हैदर 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 हैदर। हाँ तेरे लिए दुनिया ये बनी है राजी हमने जाना, रब ने उस पर लानत की है जिसने तुझे ना माना, जिसने तुझे ना माना। तू रब की गवाही है, तू धी का सिपाही है, तू रब की गवाही है, तू धी का सिपाही है, तूने ही बनाई मौला ये सारी खुदाई है। हैदर 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 हैदर। नाज़रीन आपने देखा सुना समझा और सीखा। मैं हैदर टीवी जानिब से शुक्रगुजार हूँ अंजुमन कारवान अज़ा के इरफान अज़ा, इरफान हैदर साहब, हमारे अनीस अब्बास कमर साहब, अब्बास अकबरी साहब ये मौजूद रहे। मैं इन तमाम लोगों का हैदर टीवी की जानिब से शुक्रगुजार हूँ। हमारा मुस्तकबिल में फिर किसी नए जाकिर के साथ हाजिर होंगे। मैं ममनून मुतशक्किर हूँ। आप हजरात का भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। या अली मदद।
जो खर्च करने से घटती है उसके पीछे हम जा रहे हैं, जो बढ़ती है खर्च करने से बढ़ता है वो रोके। खुद जफर भाई माजरत चाहता हूँ, आगा साहब ने अभी खुद फरमाया था थोड़ी देर पहले कि इन्होंने खुद जो है दूसरों को सुना और दूसरों के पढ़े हुए कलाम पढ़े जी, तो हमारी नई नस्ल मतलब ये काम क्यों नहीं कर सकती इस तरीके से, क्यों मतलब वो कहीं आगे शुरू नहीं करते? क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। तो इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? क्या मैं अभी एक 14 या 12 साल के बच्चे को या 5-7 साल के बच्चे को एक बहुत बड़े शायर का कलाम ला के दूं और उससे कहूं बेटा इसको पढ़ो, अब उसके लिए तर्ज में आसान कहां से लेके आऊं? तो जो ऑलरेडी है बनी बनाई एक है उसे आप पहले, बेशक बच्चों को उनसे आप तरबियत दिला सकते हैं आगे चल के आराम आराम से। मतलब सवाल है कि अभी तक माशाल्लाह आपके खलक कई सौ नौहे होंगे और रजदारी के हवाले से, तो नौहखानी के अंदर कौन सा ऐसा काम है या कौन सा ऐसा यूँ कहा जाए कि माहौल है या राग है जिसके ऊपर आपने अब तक कलाम नहीं कहा है या आपके प्लानिंग में है? क्या अरे क्या बात है, ये इसलिए सवाल किया क्योंकि जाहिर है इतनी सारी चीजें सुन चुका हूँ मैं आपकी अभी पिछले 10 दिन में कि वो मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं पूछूंगे अभी तक आपने जो कलाम पढ़े उसके अंदर बहुत सारे कौन सी चीजें नहीं, बहुत सारे काम है जो अभी हमने नहीं किए। अच्छा हाँ, ये बहरे बेकरा है और सारी दुनिया के जो है वो सुनाया ना आपने, दरख्त जो है वो कलम बन जाए, सारी दुनिया के समंदर से आए बन जाए तब भी ये जिक्र उसका हक अदा नहीं होता। अभी बहुत हमने किया क्या है अभी, किसी एक वाकया पढ़ा मैंने, कैरेक्टर्स भूल गया मैं कि शायद मौलाना रूमी थे या ना जाने कौन थे, जुनैद बगदादी थे कौन थे, मैंने सुना कि वो कहने लगे कि यार समंदर के करीब ले गए, कहने लगे बता तुझे कितना इल्म आता है। तो उन्होंने दिखाया कि एक परिंदा आसमान से आया और उसने पानी पर से एक बूंद उठाई और वो लेके उड़ गया, कहने लगे जो मुझे आता है ना वो जो परिंदे के मुंह में बूंद है ना ये वो है और इल्म वो है जो ये तू देख रहा है समंदर। इमाम से भी किसी ने पूछा अल्लाह के मौला इल्म क्या है, इमाम ने कहा जो तुम नहीं जानते। क्या बात, यानी जो हम देखें, मैं मुझे नहीं मालूम था कि दीवार को वॉल कहते, मुझे नहीं मालूम था कि घड़ी को वॉच कहते हैं, जब मुझे पता चला तो मुझको अपनी जहालत का इदराक हुआ कि मैं, मुझे ये भी नहीं मालूम था। अब इल्म क्या है जो मुझे जानना है, तो वो तो अभी कितना जानना बाकी रह गया, अभी जानना शुरू किया है, अभी तो शायद मैं सीख रहा हूँ कि जानते कैसे। चले मैं चाहूंगा कि जो सीखा है उसमें से कुछ और आता हो जाए क्योंकि अब वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और जाहिर है कि हम अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने एक नात लिखी वो मैं आपको जरा अलग सा एक सिस्टम है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा अपने दोस्तों को भी, और मैं चाहूंगा मैं इंशाल्लाह कभी वक्त मिला भी तो इंशाल्लाह रिकॉर्ड भी कराऊंगा इसको इंशाल्लाह। हज़रत अहले बैत अलैहिम सलाम पर बाबा जबरन सलाम अल्लाहुम्म सल्ल अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गर्द बयाबान क्या बात है, ताब रात सहर गर्द बयाबान गाज़े रूह कमर दूध चरावाने अरा जियो ताबे रात सहर गर्द बयाबाने अरा क्या बात। जरा सुनिएगा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ट जना क्या हुस्न यू
यूसुफ पे कटी हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंदोष्ट जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने ये जो अदायगी की है इन्होंने कितने पढ़ने वाले हैं जो इस तरह पढ़ सकते हैं मतलब बगैर किसी एग्जैजरेशन के बहुत मुश्किल है कि कोई इस तरह अदायगी कर सके। अच्छा मैं चाहूंगा कि अगर वो किसी और का भी कलाम होता तो मैं दरख्वास्त करता कब मैं कहता हूँ कि दो शेर अली मौला क्योंकि बहुत खूबसूरत अदायगी। ज़फ़र भाई मुझे बताते रहिए कब मैं कहता हूँ कि सुल्तान बना दे मौला अपने दर का मुझे दरबान। बहुत उम्दा कलाम यकीन माने मेरे दिल को छुआ इस कलाम ने बहुत उम्दा लिखा आपने और इसकी बड़ी अच्छी बंदिश भी है। कब मैं कहता हूँ के क्या बात है सुल्तान बना दे अपने दर का मुझे दरबान बना दे मौला कब मैं कहता होता मुझे को बिना हबशी का लहजा और किरदार का सलमान बना कब मैं कहता हूँ के शेर ला जाओ नात लिखूं अब तालिब से मुझे बाद मिले यूं मुझे साहिबे इरफान बना दे मौला कब मैं कहता ज़फ़र भाई बहुत माजरत चाहता हूँ इन्होंने जिक्र किया अनीस भाई ने कि ऑटोवा से यहाँ तक और फिर यहाँ से विंडसर से गए और वापस आए बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था अंदाजा लगाए मैं कितने दिनों से भाई के साथ हूँ खुदा गवाह है बस ये हुआ कि मैं जंगलों में नहीं गया हूँ वरना मैं वहां भी चला जाऊं खुदा गवाह है खुदा जो है
आपको नजर मत से बचाए इंशाल्लाह ताला। इस गले में, इस आवाज में इतनी गर्मी और पैदा हो, ये इंशाल्लाह सारे सातों पर्दे हटाते हुए इंशाल्लाह वहां पहुंचे जाए इंशाल्लाह ताला आपकी नजर लगी हुई है। बड़ा इम्तिहान लिया आपने जफर भाई, अभी मुझे यकीन माने मैं तो ये कलाम मेरे दिमाग में था और अचानक आपने कहा कि भाई सुनो, तो ये बड़ा इम्तिहान था जी, बस जो याद था मैंने कहा मैं चाहूंगा बस अब क्योंकि बहुत देर हो गई आखिर में अपनी पसंद का कोई कलाम नजर सामाईन हैदर टीवी के देखने सुनने समझने वालों की। हैदर टीवी के लिए मैं बहुत दुआ गूँ परवरदिगार इस टीवी को और मजीद तरक्की अता फरमाए, दवा अता फरमाए, और जितने भी रूह रवा हैं इस चैनल के हैदर टीवी के परवरदिगार इन सबको दीनी और दुनियावी तमाम आसाइशों से मौला फरमाए, इनकी नेक जायज शरई हाजात को पूरा फरमा, कोई गम न थे मेरा मौला सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के, और इस काम को करने में जो लोग सही कर रहे हैं मौला उनकी जो है और ज़्यादा पसे पर्दा मौला उनकी जो है ना जो है मदद फरमाए। मैं जो है मैं जिस तरह भी जो भी फरोग अज़ा के लिए काम करता है खुदा की कसम मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके लिए अपनी जान निछावर कर दूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद हुसैन इब्न अली के जिक्र का प्रचार है। क्या अपनी वालदा के लिए चार मिसरे में पढ़ूँगा आखिर में, और मैं चाहूँगा कि इसी पर अख्तिताम भी हो। जिनकी माएँ सलामत हैं मैं दुआ करूंगा कि परवरदिगार उनका साया उन पर कायम दायम रखे, और जिनकी माएँ और वालदेन जो इस दुनिया में नहीं है मौला उन्हें गरीब के रहमत फरमाए, आलिया में जगह फरमाए। मेरी वालदा के लिए भी आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि मौला उनकी मगफरत फरमाए, उन्हें आले लीन जवारे मासूमीन अलैहिम सलाम में मेरे वालदैन खुद जाकरत थीं, फिर खुद जाकरत की मां हैं अली मौला, अरे मौला सलामत रहिए। पेश कर रहा हूं लब हिलाए तो अली नाम, क्या बात लिया है मैंने माँ किया वो मैं वो जाम पिया है मैंने, क्या वाह मिली कुवत जुम्बिश जो मेरे हाथों को, और मिली कुवत जुम्बिश जो मेरे हाथों को गोद में शबीर किया है, लब हिलाए तो अली नाम लिया मैंने माँ किया तो मैं चाहूंगा आखिर में सिर्फ हैदर हैदर वाला कलाम जो है उसके बगैर हैदर हैदर भाई। अच्छा चले ठीक है मैं ये कलाम पढ़ता हूँ लेकिन आप सबने मिलकर मेरे साथ पढ़वाना है, भाई ने भी। सिर्फ वो नहीं जो लोग देख रहे हैं पसे कैमरा है जो मंजर साहब सामने हैं और जो पसे मंजर देख रहे हैं वो भी जो पसे मंजर सलामत रखे परवरदिगार कोई गम न दे आप सबको सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के जफर भाई। क्या मौला बहुत अच्छा लगा आपके साथ, मुझे नहीं लगता कि ये इंटरव्यू था, मुझे लगता है कि ये वो बातें थी कि जो हमारे दिलों की बातें हैं। बहुत एक बहुत अरसा हो गया था इस तरह साथ बैठे हुए सब लोगों को, इंशाल्लाह कभी फिर इंटरव्यू देंगे मुख्तलिफ उमूर पर बातें करेंगे, बहुत
तो आप सबके लिए पेश कर रहा हूँ, रजब चल रहा है और अमीर कायनात का तस्करा। बहुत अच्छा किया आपने ये पूरा ये जो ट्रिप है बिबिधारा सलामुल्लाह अलैह के, मैं कुर्बान जाऊँ मेरी पाक शहजादी का, उनके खानवादे का सदका, कि बहुत ही उम्दा हर हवाले से बहुत अच्छा ये ट्रिप रहा, हर हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप रहा। परवरदिगार सलामत रखे तमाम नॉर्थ अमेरिका के मोमिनीन को जिन्होंने हर जगह मेरे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मेरा साथ दिया। मैं हैदर टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ और हसन नवाब साहब का जो कैलगरी के रूए रवाएँ बाबुल आवाज इस्लामिक सेंटर के, परवरदिगार सबको सलामत रखे। जफर अब्बास जफर साहब आपका, नवेद जो है परवरदिगार उसको सलामत रखे, नवेद हैदर, नवेद जैदी परवरदिगार उस लड़के को सलामत रखे। अच्छा मौला का जाकिर है, अच्छा शायर भी है। हमारे अब्बास अकबरी साहब को मौला सलामत रखे, मंजर भाई को मौला सलामत रखे, हमारे अनीस भाई को मौला सलामत रखे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑन जो है यहाँ खड़े हैं मौला। मैं जब से आया हूँ ये मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके चल रहे हैं, परवरदिगार इनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। काबिल तारीफ हैं वो लोग जो पसे पर्दा हैदर टीवी के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें हमारे आतिफ अब्बासी साहब हैं एडिटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, और हमारे सिकंदर सलीम साहब हैं जो लाइव मैनेज करते हैं। मैं रहनुमाई ले रहा हूं अपने मंजर भाई से और अनीस भाई से कि जो लोग काम कर रहे हैं हैदर टीवी के लिए पसे पर्दा, जुल्फ़िकार हैं, परवरदिगार इन सबको सलामत रखे। जो भी शुएब जैदी हैं, सिकंदर आपने क्या नाम लिया, सिकंदर सलीम साहब जो काम कर रहे हैं, परवरदिगार इन सबको, मेरा मौला जैगम है जो भी काम कर रहे हैं, और ये जो आपके इश्तहार वगैरह बनाते हैं शुएब हैं, परवरदिगार इन सबको सलामत रखे, इनको और तरक्की उरूज व गलबा अता फरमाए, इनको तरक्की दवाम अता फरमाए मौला, इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अथर भाई हैं, परवरदिगार इन सबको सलामत रखे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अथर जाफरी भाई हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी हैदर टीवी के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, परवरदिगार इन सबको सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। मैं इरफान अज़ा आप सब के लिए दुआ गूँ हैदर टीवी की तरफ से, दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद है मौला उनकी जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमाए, कोई गम न दे सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के, जो भी औलादे उन्हें औलाद सालिया अता फरमा, जो मकरूज़ है मौला उनके कर्ज़ गैब से अदा हों, जो हज ज़ियारात के मुतमन्नी मौला उन्हें मुशर्रफ़ फरमाए। आ मिलकर सारे अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए तमाम अज़ादार जो भी ये चैनल देख रहे हैं, जो भी ये इंटरव्यू, जो भी ये जिक्र होते हुए देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें। आइए मिलकर पढ़ें, हैदर हैदर अव्वल व आखिर हैदर, हैदर हैदर साफी कौसर हैदर, हैदर हैदर लंगर अर्ज़ समावी, हैदर हैदर फतह खैबर, हैदर 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 हैदर। तेरे लिए दुनिया ये बनी है राजी हमने जाना, रब ने उस पर लानत की है जिसने तुझे ना माना, जिसने तुझे ना माना, तू रब की गवाही है, तू धी का सिपाही है, तू रब की गवाही है, तू धी का सिपाही है, तूने ही बनाई मौला ये सारी खुदाई है, दर है 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 दर। नाज़रीन आपने देखा सुना समझा और सीखा, मैं हैदर टीवी जानिब से शुक्रगुजार हूँ अंजुमन कारवान अज़ा के इरफान अज़ा, इरफान हैदर साहब, हमारे अनीस अब्बास कमर साहब, अब्बास अकबरी साहब ये मौजूद रहे, मैं इन तमाम लोगों का हैदर टीवी की जानिब से शुक्रगुजार हूँ। हमारा मुस्तकबिल में फिर किसी नए जाकिर के साथ हाजिर होंगे, मैं ममनून मुतशक्किर हूँ। आप हजरात का भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़, या अली मदद।